लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, ब्रेन का स्टडी किया था। ब्रेन में तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन सबसे मैक्सिमम पार्ट था, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, गायराई सल्काई पड़ा था, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। उसके अलावा अलग अलग लोब्स देखे थे हमने, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल। डोंट वरी, वो जो नोट्स है उसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी जितना भी स्टेट बोर्ड वाला पार्ट था वो हो गया, अभी सिर्फ एक टेबल है जो स्टेट बोर्ड का, बाकी एनसीईआरटी और अपना बुक सेम है। आई वाला पार्ट, ईयर वाला पार्ट, एवरीथिंग इज दी एग्जैक्टली द सेम। तो अभी कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, जो मेन पार्ट था वो ऑलरेडी हो गया है। फर्स्ट सेक्शन पता है जो भी हमने किया था मैक्सिमम स्टेट बोर्ड का ही था। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था, कंडक्टिविटी था, ये सब उसमें ही था। ठीक है, आज जो करने वाले टेबल, ये टेबल एनी विच वेज हम लोग एनसीईआरटी में नहीं है तो भी करते ही है। तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो। ओके देखते क्या है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? का एक्सटेंशन। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड को काफी समय तक टेल ऑफ ब्रेन बोला जाता था। ओके क्यों? बिकॉज का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम एंड से स्टार्ट होता है, एकदम पूंछ जैसे लगता है। अभी भी बुक में अगर आप देखोगे उसको हम लोग लिखा है क्वाडा एक्वा, CAUDA, दैट मींस टेल। एनसीईआरटी में नहीं, वाले बुक में लिखा है EQQUA, दैट इज एक्वा। इसका मतलब होता है घोड़े की पूंछ। एक मिनट बुक देना मैडम, रुको रुको मेरे पास है, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। स्टेट बोर्ड वाला बुक है तो प्लीज चेक आउट पेज नंबर, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में दिया हुआ है 195। उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे लास्ट वर्ड देखो, क्वाडा एक्विना या क्वाडा एक्वा लिखा होगा। क्वाडा का मतलब होता है टेल लैटिन में, एक्वा का मतलब होता है हॉर्स, तो घोड़े की पूंछ जैसा लगता है। अगर ऐसा घोड़े की पूंछ जैसा क्यों लगता है? स्पाइनल कॉर्ड ना ऐसा है स्ट्रक्चर, ऐसा पहले स्टार्टिंग में मोटा है, फिर थोड़ा पतला होता है, फिर वापस यहाँ पर मोटा होता है, फिर एकदम पतला 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 होते रहता है, और एंड पे बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो कनेक्टेड है। तो अगर आप, हाँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो स्ट्रक्चर लुक समथिंग लाइक दिस। एक लंबर कर्वेचर होता है ऐसा, रुपया मिला कि नहीं मिला? और ऐसे ऐसे टाइप का स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होगा। Okay. ये जो पार्ट है उसको देखिए हम लोग घोड़े की पूंछ बोलते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ऑपोजिट है। ब्रेन का ऑपोजिट मतलब क्या? ब्रेन में ग्रे और व्हाइट मैटर कैसे था? बाहर ग्रे था, अंदर व्हाइट था। स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। पूरा नर्वस सिस्टम ना हम लोग हाथों के डायग्राम से पढ़ सकते हैं। मैंने बोला था ये न्यूरोन है, राइट। फिर मैंने हमेशा बोला कि ये ऐसा ब्रेन है, राइट। ब्रेन में बाहर की तरफ क्या है? ग्रे मैटर। अंदर की तरफ क्या है? व्हाइट मैटर। जब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड बनता है ना, ये ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा बनता है। जो बाहर का ग्रे मैटर है वो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ होगा? अंदर। और जो अंदर का व्हाइट मैटर वो कहाँ आएगा? बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज लाइक जैसे वो लड़के लोग बाल बांधते हैं ना, तो जब बाल बांधते हैं तो बाहर वाला पार्ट अंदर आता है, अंदर वाला पार्ट बाहर होता है। इट इज ट्विस्ट इन टर्न। ठीक है, मम्मी को पूछना बाल कैसे बांधते। ठीक है, नाउ ग्रे पार्ट बाहर था ब्रेन में, राइट। स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या होगा? अंदर होगा। तो मुझे बताओ साइटोन कहाँ है? अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? अंदर नहीं, बाहर। आराम से सोच के बताओ मुझे, व्हाइट पार्ट क्या था, ग्रे पार्ट क्या था? ग्रे पार्ट क्या था और व्हाइट पार्ट क्या था न्यूरॉन में? ग्रे इज साइटोन, ग्रे इज साइटोन, ग्रे इज साइटोन। अच्छा, वो ग्रे क्यों दिखता है मालूम है? अगर आपको याद होगा एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा है न्यूरॉन्स के अंदर ना बहुत सारा ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रैनुलर सब्सटेंस उसको ग्रेश या ब्लैकिश अपीयरेंस देता है, क्लियर। तो वो कहां पर था? साइटोन में था। एक्सॉन के ऊपर क्या है? माइलिन शीथ है। क्या है? माइलिन शीथ इज व्हाइट इन कलर, क्लियर। तो साइटोन कहाँ है? बाहर था, किसमें? ब्रेन में। और एक्सॉन कहाँ था? अंदर की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? उल्टा, एक्सॉन आएगा बाहर की तरफ, साइटोन आएगा अंदर की तरफ। इजी? यस। अगेन हाथ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मुझे खुद को बहुत कंफ्यूजन होता था ग्रे मैटर कौन सा है, व्हाइट मैटर कौन सा है। ठीक है, एक ही चीज याद रखने का, ब्रेन में ग्रे बाहर है, व्हाइट अंदर है, बस। स्पाइनल कॉर्ड में उसका उल्टा। इजी। उसके अलावा अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको डायग्राम से भी समझेगा, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है।
स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी तीन लेयर्स होंगे जैसे पहले थे, ओके आई मीन जैसे ब्रेन पे थे, है ना? उसके अलावा ना पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमने नहीं पढ़ा है, राइट? डायग्राम देखो ब्रेन का नोट्स में, फ्रंटल लोब पे कौन से पार्ट है? परफॉर्मेंस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मूड और मोटिवेशन के लिए फ्रंटल लोब है, सेरिब्रम के आगे वाले हिस्से पे आएगा तुम्हारा हैंड स्किल, वो पीडीएफ पीडीएफ खोलो। ये वाला हाँ, फोन चेंज किया क्या? झूठ वही है? अच्छा कवर चेंज किया, क्या हुआ? हाँ तो बराबर है बॉस, क्या एप्पल का ही लोगो लोगो है क्या? इतना शार्क टैंक का ब्रांडिंग मालूम नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा कवर कौन सा है अभी फिलहाल ये हफ्ते के लिए? अच्छा ये फोन बहुत डिमांडिंग है ना तुम्हारा, तुम्हारा महीने के लिए फोन बहुत डिमांडिंग है ना, हर हफ्ते नया कवर मांगते रहता है। ठीक मैं डिमांड रिपोर्ट के जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह इसमें नहीं दिया, नहीं। स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम नहीं दिया उन्होंने, ये वाला पार्ट दिया है अपने को स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो यहाँ पर तुमको व्हाइट और ग्रे दिख जाएगा। वो रिफ्लेक्स एक्शन हाँ रिफ्लेक्स सेक्शन में मिला डायग्राम, वो है। हैंड स्किल है। मोटर मोटर एक्टिविटीज मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय मोटर एक्टिविटीज? हाँ मोटर एक्टिविटीज क्या होता है? तो जिससे हम अरे लोग का हाँ तो मूवमेंट मूवमेंट होता है जिससे मूवमेंट कोऑर्डिनेशन वाले एक्टिविटीज को मोटर बोलते हैं। इनफैक्ट जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है या वॉलेंट्री कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है दैट इज कॉल्ड एज मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी में आएगा तुम्हारा वॉकिंग, रनिंग, उसके अलावा लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारे मोटर स्किल्स है। क्लियर? यस। जहां पर एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन और एक से ज्यादा वॉलेंट्री मसल काम आता हो दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्टिविटी या मोटर एक्टिविटी। कूल? यस। हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमारा मोटर स्किल है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे भागते हैं, एवरीथिंग इज अ मोटर स्किल। कोई भी आप स्पोर्ट्स सीखते हो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोटर स्किल, किस तरह से आप यूज करते हो अपने बॉडी को, हाथ को, पैर को, आंखों को, ये सब मोटर स्किल का डेवलपमेंट है। क्लियर? ड्राइविंग मोटर स्किल, ठीक है, उसको तो मोटर ट्रेनिंग बोलते हैं, बट वो मोटर अलग है, ये मोटर बायो वाला अलग है। ठीक है। उसके बाद पराइटल लोब पे तुमको मिलेगा सेंसरी पार्ट और सेंसरी एसोसिएशन पार्ट। सेंसरी पार्ट और सेंसरी एसोसिएशन में क्या फर्क है? सेंसरी एरिया वो है जहां पर सेंस ऑर्गन्स का रिसेप्शन होगा, आईज का, नोज का, ठीक है, ईयर का, स्किन का रिसेप्शन होगा सेंसरी एरिया में। सेंसरी एसोसिएशन क्या है? जो सेंस ऑर्गन के अंदर अंदर का कोऑर्डिनेशन है, जैसे मैंने बोला था हमारा आईज का और ईयर का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उस तरह से नोज का और आईज का कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग होता है। अगर तुमको कोई खाने का स्मेल आ रहा है तुमको तुरंत ही इमेज आएगा उसका, अरे मैगी बन रहा है, समझो फोटो वाला मैगी दिखेगा एकदम मस्त पीला पीला, उसके ऊपर से मटर के दाने दिखाई देंगे तुमको फोटो में। ओके दैट इज आवर सेंसरी एसोसिएशन। दूसरा हमारा जो भी चीज हम लोग जब देखते हैं फर्स्ट टाइम हमारे ब्रेन के किस्से में स्टोर होता है, और वही सेंस ऑर्गन जब फिर से ट्रिगर आता है हमको वो रिकलेक्ट होता है, वो भी आएगा तुम्हारा सेंसरी एसोसिएशन। एग्जाम्पल सपोज आपने किसी फेमिलियर वॉइस को सुना है पहले और वही वॉइस आप फिर से सुनते हो तो आपके मन में एक इमेज आएगा, वो क्यों आया? बिकॉज आपने सेम आवाज सुना हुआ मेमोरी की वजह से। यस। कभी कभी ये चेंज होता है तभी अपने को बहुत पता चलता है, जैसे तुम तुम्हारे छोटे भाई या बहन के साथ बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली भाई से बात कर रहे हो, सडनली उसको प्यूबर्टी होता है, उसका आवाज चेंज हो जाता है, फोन पे तुम बात कर रहे हो बोलते अरे आवाज बहुत बदल गया थे। हाँ तो क्या हो गया, आवाज बदल गया तो, है ना, ऐसा अजीब सा आवाज लगता है उनका, सडनली चेंज। हाँ सडनली चेंज होता है बिकॉज हम लोग डेली बात नहीं कर रहे उससे, और अगर हम कुछ समय बाद बात करेंगे तो हमको वो चेंज बहुत नजर आएगा, पता चलेगा। हाइट्स और यस यस यस। तो वो तुम्हारा सेंसरी एसोसिएशन वाला पार्ट है। विजुअल एसोसिएशन देखो पीछे की तरफ है, ऑक्सिपिटल लोब में काफी मेजर पार्ट है विजुअल विजुअल एसोसिएशन का, इसलिए हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन इज आवर आईज। हमारा ब्रेन आंखों देखी बातों पर विश्वास करता है, सुनी सुनाई, चटी चटाई, टची टचाई बातों पर विश्वास नहीं करता है। ओके टंग, हाँ, सुंगी सुंघाई बातों पर भी विश्वास नहीं करता है। सेंस ऑर्गन सबसे स्ट्रॉन्ग पांच ही है ना, इतना है। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा सेंस ऑर्गन आईज है, इससे जब तक हम लोग आंखों से कुछ नहीं देखते हमको कंफर्मेशन नहीं होता है। इनफैक्ट जब हम ड्रीम्स देखते हैं हमको हमारा विजुअल एसोसिएशन एरिया एक्टिवेटेड लगता है, इसलिए हमको ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं। ओके ड्रीम्स में कभी तुमको स्मेल नहीं आएगा, कभी फीलिंग नहीं आएगा, सिर्फ विजुअल एसोसिएशन वाला पार्ट एक्टिवेट होता है। क्लियर? यस।
प्राइमरी विजन वाला पार्ट जो हम लोग तुरंत देखते हैं, जो कहाँ पर इमेज बनेगा और पीछे की तरफ है, फिर वहां पर तुमको मिलेगा एक वर्निकीज एरिया, मिला डायग्राम में वर्निकीज एरिया, इंपॉर्टेंट है, बुक में भी दिया हुआ है वर्निकीज एरिया के बारे में। वर्निकीज एरिया क्या है? यस, व्हाट इज वर्निकीज एरिया? ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया मतलब हम कैसे साउंड से रिकॉग्नाइज करते हैं क्या चीज है। अभी किसी पर्सन का साउंड हो सकता है या किसी चीज का साउंड हो सकता है। जैसे पता है वो ऐसे चौक से लिखते बोर्ड पे तो एकदम ऐसे स्क्वीकिंग सा साउंड आता है, बहुत इरिटेटिंग सा। वो हाँ साउंड अपने को पता है कि किस चीज का साउंड है। अगर जरूर कुत्ता भौंक रहा है तो हमको एग्जैक्टली मालूम है कि कुत्ते का ही आवाज है, राइट? बेबी के रोने का हमको पता है, सब आएगा बिकॉज ऑफ वर्निकीज एरिया। बोलो। जो था कुछ जो साउंड था वो क्या हाँ, होता बिकॉज वो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इरिटेटिंग टू अस, वो डायरेक्टली इसको पेनिट्रेट करता है। टीथ को क्यों है? मतलब ऐसा ऐसा समझा नहीं क्या बोल रहे? ऐसा ऐसा दांतों को ऐसा लगता है हार्ड ग्राइंड करने सा, वाला, और मतलब वो अगर कोई कॉइन भी नीचे हाँ, गिर जाए मार्बल पे मार्बल जैसा है, तो भी ये फीलिंग आता है उसका। इन जनरल ना इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, देर आर अगेन मेनी थियोरीज। जैसे मैंने बोला ब्रेन से रिलेटेड तुमको बहुत सारा थियोरीज मिल जाएगा। इसका एक थियोरी है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेरी इरिटेटिंग टू अस एंड दैट मेक्स आवर ब्रेन में एक सेंस, ब्रेन में एक पार्ट है जो पेन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। ये जब हम साउंड सुनते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाला, यही पेन वाला सेंटर एक्टिवेट होता है। तो जो भी हम वो रिस्पॉन्स होता है पेन के टाइम पर, जैसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, दांत चबाने का मन करता है, सेम चीजें तभी भी एक्टिवेट होती है। तो बट ये ऐसा वो उसका नहीं होता, बट उससे हाँ इशू नहीं होता, लाइक अगर वो ऐसा स्क्रीचिंग साउंड आता है ना तो हाँ बहुत उससे लोग को नहीं होता है, बट मैक्सिमम अराउंड 80% लोगों को प्रॉब्लम होगा। वो जो नेल नेल पे जो स्केलिंग का आता है ना, स्केल करने का, उससे हाँ। मुझे बहुत वो है, मतलब ऐसा ऐसा बॉडी शिवर करने लग जाती है स्केल करो तो। अच्छा, ओके, वो हाँ फाइलिंग, नेल फाइलर, हाँ हाँ वो ठीक है। तो कुछ अब मैक्सिमम लोग को इससे नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है सबका ट्रिगर पॉइंट अलग अलग हो सकता है। पेन की ऐसा हाँ, लगता है। यस। अच्छा वर्निकीज एरिया इज ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। उसके अलावा चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेम्पोरल और टेम्पोरल लोब पे होगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी को बुलाना है ये सब नहीं, और चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन डोनेशन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। मेरी बात ध्यान से सुनो, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स की वर्ड्स वर्ड्स, वर्ड्स क्या शब्द आप चुनते हो कोई भी चीज करने के लिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो भी मोटिवेशन स्पीकर होता है उन लोग को एग्जैक्टली पता क्या बोलना है। उन लोग बहुत सिंपल चीज बोलते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि आप लोग लगता है क्या ही बोल दिया भाई, है ना? आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल किस तरह सिंपल से चॉइस ऑफ, हाँ बोलो। चीजें बोलते हैं कि सिंपल बना ही बोलते हैं क्या होता बहुत सिंपल बेसिक चीजें बोलते हैं, बट उनका जो रीअरेंजमेंट है उससे अपने को लगता है कि बहुत एडवांस चीज है। बोल जो दिया है। हर कोई बोलता है लोग डॉक्टर के लिए भी तो कर हाँ, डॉक्टर के लिए क्या भी जरूरी, बट यूजुअली डॉक्टर लोग के साथ, अगर डॉक्टर का पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है तो उसको बहुत बेसिक चीज उसको बताना है क्या कन्वे करना है। उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना एक स्पीकर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पीकर के लिए 14 वर्ड इम्पोर्टेंट है, बट वो कैसे स्पीकर फॉर्मुलेट करते हैं। स्पीकर हाँ, इट इज कैसे ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल किस तरह से चॉइस ऑफ वर्ड से तुम्हारा स्टेटमेंट जो है उसका मतलब पूरा चेंज हो सकता है, वेर एज स्टेटमेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्ड या चॉइस ऑफ वर्ड जिससे तुमको कोई स्टेटमेंट अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, माई मॉम टोल्ड मी दिस, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, राइट? यही स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूँ, माई फादर्स वाइफ टोल्ड मी दिस, मतलब चेंज हुआ? नहीं, बट सुनने में कितना अजीब लगा ना। ये माम कहते क्या बोला? पापा की बीवी, कितना अजीब लग रहा है। ऑल द पर्सन चेंज हुआ, मतलब चेंज हुआ, चॉइस ऑफ वर्ड्स है कितना इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है ये भी। जो आपने सेकंड वाला बोला ना, वो इनडायरेक्टली आपने मम्मी बोला, हाँ, बट दैट डज और नॉट, पहले वाले को डायरेक्ट मेरा बोला, जो स्टेटमेंट डायरेक्ट का मैसेज मतलब तो चेंज है। नहीं हो रहा है। माय पॉइंट इज, सी चॉइस ऑफ वर्ड्स किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते तुम्हारे डिसीजन को। लेकिन सर हमको 14 वर्ड पे अच्छा अच्छा भी लगता है, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, बिकॉज हमको, हमारे ब्रेन को कुछ रिदम्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ वर्ड्स बहुत पसंद है। इन जनरल ह्यूमन साइकी ये है कि हमको वही पसंद है या वही सुनना पसंद है जो अपन एक्चुअली कर सकते हैं। इसे मोटिवेशनल स्पीकर लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं कि सुबह उठने से चालू कर, तो रोज थोड़ा थोड़ा लिखना चालू कर, तो लिखते, ये तो सिंपल है, मैं कर सकता हूँ, तो तेरे को अच्छा लगता है। बट वही बोलेगा कि नहीं बाबा, 8 साल तक घिसना पड़ा तब जाके हो, तो वहीं पर बंद हो जाएगा, बिकॉज तेरे को लगा रहे 8 साल का मेहनत के बाद फल मिल रहा है मुझे। लेकिन हाँ सर, लोग अपना स्ट्रगल बता दे, जो बहुत सिंपल तरीके से बता दे, जिससे हमको लगता है कि हम भी कर सकते हाँ, दैट इज हाउ यू बी अ गुड स्टोरी टेलर। अच्छा स्टोरी टेलर होना बहुत जरूरी है, हैं। डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत जरूरी है। संदीप महेश्वरी इन लोग, ये जो जितने संदीप महेश्वरी ने, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर, इन लोग यही यूज करते हैं।
एग्जैक्टली बहुत सारे जो सॉन्ग राइटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो गाने बनाते हैं, जो भी रिदम बनाते हैं, हमारे ब्रेन को ऐसा रिदम का आदत है। वी लाइक शायरी, हम लोग को राइम्स पसंद है, इससे तो हिप हॉप चलता है, बिकॉज हिप हॉप में राइम्स है ना। चॉइस ऑफ वर्ड्स, टेम्पोरल लोब में आएगा तुम्हारा स्मेल और मेमोरी। स्मेल और मेमोरी का एरिया ना बहुत नजदीक है, इसलिए जो भी चीज का स्मेल होता है, स्मेल अपने को आता है उसका, उसके साथ हमारा कोई ना कोई मेमोरी एसोसिएटेड होता है, इसलिए हमको नॉस्टैल्जिया बहुत इजीली हिट होता है। वो कैसे, बारिश का स्मेल आएगा तो तुमको अचानक बचपन और स्कूल का याद आता है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी याद, डेजा वो नहीं, पुरानी याद है, जब आप बचपन में थे तब कैसा था। सिमिलरली अगर सपोज दिवाली का समय है, दिवाली का समय है, घर पे मम्मी कुछ स्पेशल स्वीट बनाती है, तो पर्टिकुलर स्वीट का स्मेल तुमको याद रहेगा, भले शायद स्वीट इतना पसंद ना हो, बट वो जो स्मेल है वो तुमको बचपन में लेके जाता है वापस, तो तुमको स्वीट बहुत पसंद आने कोई लगेगा। भी मेमोरी हो अच्छी हो कोई बुरी भी, हो अच्छा किसी बुरा, अच्छा होगा तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर याद रहेगा। हाँ, बुरा मेमोरी हमारा ब्रेन को पसंद नहीं इतना याद करना। अब सपोज एक पर्टिकुलर परफ्यूम था जो किसी लड़की ने लगाया था और फिर तुम्हारा दिल टूट गया था, तो तुमको परफ्यूम की स्मेल से वो लड़की का स्मेल, वो लड़की का याद आएगा, और तुम्हारा वो फेज याद आएगा जब तुम दुखी थे। टूटा हुआ साज हूं में थे, ठीक है। वेरेज वही चीज, हाँ वही चीज अच्छे भी काम कर सकता है, अगर कुछ अच्छा पर्सन था जो अभी भी कुछ है या जो भी हो तुम्हारा, तो इट कैन बी अ गुड ट्रिगर पॉइंट एज वेल। क्लियर? हाँ बोलो। बारिश की कीचड़ से मेरे को गलत मेमोरी आती है कि मैं बचपन में स्कूल जाते हुए बारिश में कीचड़ में गिरा था। जब मैं कीचड़ देखता हूँ तो हाँ ये मेरे को भी याद हाँ बिकॉज तुम गिरे हो ना, और बहुत लोगों के है। सामने गिरे थे, राइट? नहीं तो अकेला गिरा तो मैं स्कूल में यूनिफॉर्म गंदा हो गया था, तोड़ा अच्छा, और घर पे तोड़ा था तुमको? नहीं था क्योंकि मेरे को स्कूल जाना पड़ा था। वो पे अच्छा देखो अच्छा ओके, मुझे तो मुझे इसलिए तो वहां पर एम्बेरेस नहीं हुए, पूरे दिन एम्बेरेस हुए तुम, इसलिए तुमको नहीं पसंद है। जब भी तुम कीचड़ देखते तुमको वो मेमोरी याद आती है कि अरे ये तो वो है। हमारा बहुत सारा बचपन का मेमोरी हमारे ब्रेन में इंग्रेड होता है, हमको कभी पता भी नहीं होता कि अपने साथ ये हुआ है, बट सडनली तुमको कुछ चीज याद नहीं आता है या कुछ चीज पसंद नहीं आता है। चलो, ब्रोकास एरिया है जिसमें सेंस ऑफ स्मेल होता है, ये भी स्मेल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज है। टीएस और स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, वाइट मैटर, ग्रे मैटर ऑलरेडी बताया, हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर है, एच शेप हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सल रूट आगे है, वेंट्रल रूट नीचे की तरफ है, साइड में लैटरल है, ठीक है। वाइट मैटर है अंदर, ग्रे मैटर है, सेंट्रल कैविटी है जहां पर क्या होगा, सीएस होगा, क्या होगा, सीएस है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड पे भी वही तीन लेयर्स है जो ब्रेन के ऊपर होते हैं। लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। हाँ आपने बोलो। अभी कुछ देर पहले बोला था कि हम लोग जब सपना देखते हैं तो हमको सिर्फ स्मेल और वो विजुअल हाँ, सिर्फ दिखता है, बट नहीं स्मेल नहीं, विजुअली दिखेगा। ऐसा भी होता है कि हम जिससे लड़ाई कर रहे हैं जैसे वो हमको मार रहे हैं। कभी कभी मेरे ऐसा हुआ कि मेरे सपने में कुछ देख रहा हूँ बट सच में मैंने तो हाथ घुमाया कुछ किया है। हाँ तो हाथ तो घूमता है सपने ना, हाथ तो घूमेगा ना, हाथ क्यों नहीं घूमेगा? भी लोग बड़बड़ाते हैं, सपने में लोग हाँ बड़बड़ाते बड़बड़ाते ना, क्यों नहीं बड़बड़ाते? हैं। सही बहुत बहुत मेरी मैं लोग बड़बड़ाते हैं, शायद बट वो कभी बड़बड़ क्लियर नहीं होता है वो। हाँ हाँ बोलो। मेरी जब हम बहन लोग सोते बड़बड़ाते हैं करने के बाद तो नॉट खराटा जो होता है वो डीप स्लीप होता नॉट नेसेसरी, है, खराट कभी कभी नॉट ऐसा, कभी कभी तुम खराटे सोए उसके नहीं हो, आधे सोए हो, तभी भी खराटे शुरू हो सकते हैं, खुद के खराटों से भी उठ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, बट यूजुअली डीप स्लीप आता है तब खराटे ट्रिगर होने चाहिए आइडियली, सारे आते बट भी ऐसा कुछ खराब नेसेसरी नहीं है। सर, खराटे आते ही नहीं। एपिग्लॉटिस जो है वो बंद नहीं होता है। सर बॉडी के लिए जो अच्छे हैं लोग कि जो ये ये तो जो हमने ऐसा मैंने क्योंकि वो पता उनका नहीं जो इलास्टिसिटी मसल का वो चला जाता है, तो फिर वो बंद ही नहीं होता है, फिर वो चालू रहता है। अरे ट्रेन में से हम लोग गांव जा रहे थे, एक आंटी का चालू का फ्री रहा था। ट्रेन में बहुत कुछ चालू होता है खराटों के अलावा भी। चलो, स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट्स ऑफ मेरे सीएनएस को फॉर्म्स लोअर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, तीन लेयर्स है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, सेम। सीएसएफ इज सिक्रेटेड बाय पाया मैटर, फॉर्म्स कुशन अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड विद इन इट। एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड अपीयर करता है एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल रॉड जैसा, जिसका डायमेंशन है अबाउट 42 से 45 सेंटीमीटर और 2 to 2.5 सेंटीमीटर थिक है ये। ब्रॉड एट एंटीरियर एंड, ऊपर की तरफ मोटा होगा, नीचे की तरफ पतला होता जाएगा। दो स्वेलिंग, एक सर्वाइकल स्वेलिंग होगा, एक लंबर स्वेलिंग होगा।
एक यहाँ पर स्वेलिंग होगा और एक बैक वाले पार्ट में स्वेलिंग होगा और फिर पतला पतला होता जाता है। यहाँ पर 31 पेयर ऑफ नोज है, कितने नोज है? 31 पेयर ऑफ नोज। हाँ पूछो। सर ये स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली नहीं है तो हमें पढ़ना है क्या स्पाइनल नहीं? कॉर्ड का ना हम तुमको टेक्स्ट में बहुत कम दिया है, हाँ तो वही अभी वो डायग्राम वगैरह उसमें पढ़ने का हमें जरूरत नहीं नहीं दिया, है। मतलब सिर्फ डायग्राम डायग्राम, बनाने में डायग्राम इज दिया इनफ, वही उसमें। बोला सिर्फ डायग्राम इज इनफ, उसके अलावा ये दो स्वेलिंग वगैरह नहीं याद आएगा चलेगा। 31 नर्व पेयर के बारे में हमने पढ़ा है, वो याद रखो, 31 पेयर ऑफ नर्व्स है। क्योंकि सर मैंने नोट्स में देखा, नोट्स में मैंने फाइनल पार्ट लिखा ही नहीं। हाँ क्योंकि ये एनसीईआरटी वाला है तो उसमें नहीं नहीं था तो नहीं दिए। तो चलेगा ना, नहीं पढ़ेंगे, चलेगा मतलब चलेगा, सिर्फ डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम पढ़ो, दैट्स इट। उसके अलावा 31 जो क्रेनियल नर्व्स है वो पढ़ना है, उसका टेबल एंटर किया हुआ देखो, क्रेनियल हाँ नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, दिखा एक बार। तो मुझे नहीं इसका आई थिंक फोटो भेजा था तुमको, कहाँ पीछे लिखा है सर, एक बीच पे लिखा है? को और बीच को जो हम लोग होगा। ये हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला, यस है लिखा है तुमने। चलो नोट्स पे देखो, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सर्वाइकल एनलार्जमेंट, लंबर एनलार्जमेंट, जो नीचे वाला टेल लाइक सेक्शन उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टीएस का प्रोग्राम। सेक्शन। क्या अरे रे, फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, फाइलम यानी थ्रेड लाइक, टर्मिनल मतलब एंड पार्ट। फंक्शन मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन है, जो भी फास्ट क्विक एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ सेंसरी मोटर इंपल्स टू द ब्रेन, सेंसरी और मोटर इंपल्स को लेकर जाते हैं कहाँ तक? ब्रेन तक। और कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहाँ से? बॉडी से। इजी, यस। अच्छा स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? 31 पेयर है, कितने हैं? 31 पेयर, उसमें से 8 है सर्वाइकल रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं C1 से C8, क्या बोलेंगे? C1 to C8। थोरेसिक में है 12, कितने हैं? 12, उसको हम बोलते हैं T1 to T12। लंबर में है 5, तो उसको हम बोलते हैं L1 to L5। सैक्रल रीजन में है 5, तो उसको हम बोलेंगे S1 से S5। ये तो वो वाला लोग क्या हो गया, क्या लोकोमोशन में चलता है बोन में जो था वही थोरासिक। नाम है? तो कोई बोन होता है ना जो जहाँ उसके पीछे पीछे, का हाँ जो बताता हूँ, हर एक पार्ट बताता हूँ, बोलो। जिसे जॉइंट रहता है बट उसको गिना जाता है, रिब्स वो लास्ट वाला है, कॉक्सीजियल, कॉक्सिक, जो पूरा से जॉइंट रहता है जॉइंट ना। होता है बट उसको एक ही गिनते हैं। हाँ वो बोन में भी हमने पढ़ा है, इसमें भी पढ़ेंगे, सेम है, रीजन तो सेम ही है ना। सर्वाइकल मतलब क्या? नेक वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट, नेक वाले पार्ट में कितने हैं? 8 है, कितने हैं? 8, C1 to C8। उसके बाद थोरेसिक वाला पार्ट मतलब चेस्ट वाले पार्ट, बट पीछे यानी तुम्हारा बैक, डॉर्सल ठीक है, डोर्सल पार्ट। वहां पर क्या होगा? T1 से T12, 8 और 12 20 हो गए, राइट। उसके बाद लंबर, लंबर यानी बैक वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? L1 से L5। नहीं थोरेसिक डॉर्सल तो पूरा बैक साइड को डॉर्सल ही बोलेंगे, नेक वाला पार्ट यहाँ तक, ये सर्वाइकल यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, फिर जो चेस्ट वाला रीजन, यहाँ पर चेस्ट के एग्जैक्टली पीछे यहाँ पर आएगा T1 से T12, ये वाला पार्ट, यहाँ पर पीटी सर रस्सी मारते थे बचपन में, ये वाला पार्ट है तुम्हारा लंबर वाला पार्ट, ओके। उसके बाद जो हिप वाला पार्ट है जहां पर तुम बेल्ट पहनते हो, वो आएगा तुम्हारा सैक्रल, वहां पर S1 to S5 होगा। टेल बोन वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे कॉक्सिजियल या कॉक्सिक, ठीक जो है, एसटी जो हाँ कॉकिक्स, कॉक्सिक जो जो बोलना बोल सकते हो, उसमें एक होगा, बिकॉज हम लोग पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुए, मतलब मतलब थोड़ा हम लोग अभी प्रोसेस में, ऑन द वे। ऐसा नहीं, कब पहुंच जाएंगे इंपॉर्टेंट सर? कब पहुंच जाएगी? टाइम है अभी, अरे बट जरूरत नहीं है ना, ठीक है पढ़ा है वो ऐसे पूछ रहा हूँ मैं आप अभी। हिसाब से पेन होता है नहीं 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 निकलेगा, फिर होता बिकॉज है लगता उसका इन है जनरल उसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम एम्ब्रियो में हैं तभी वो कर्व फॉर्म करता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो ये वाला हाँ सर टेल तो टेल, रहता है प्रेगनेंसी में। वही 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 हाँ वही बोल रहा टेल हूँ, तभी बोलते हैं इंपॉर्टेंट है ये। चलो
स्पाइनल कॉर्ड का टीएस देखोगे तो 3 नर्व आएगा, ये तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, रामस डॉर्सेलिस, और उतना ही लिखा है जितना तुमको याद रखना है, रामस डॉर्सेलिस। क्या बोल देते हैं पहले? स्पाइनल कॉर्ड का जब टीएस देखोगे उसमें तुमको अच्छा तीन ठीक टाइप है, का न्यूरॉन दिखेगा, पहला है रामस डॉर्सेलिस, सेकंड है रामस वेंट्रलिस, थर्ड है रामस कम्युनिकेंस। रामस डॉर्सेलिस स्किन से मसल तक जाएगा, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में। रामस वेंट्रलिस लार्जेस्ट होगा, जो सप्लाई करेगा ऑर्गन्स को, मसल्स को, ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। लैटर मतलब साइड पे और ऊपर वाले पार्ट में नर्व्स को सप्लाई करेगा। ये रामस कम्युनिकेंस स्मॉलेस्ट है, जो जाएगा T1 से लेकर L3 तक, और फॉर्म करेगा सिंपैथेटिक गैंग्लिया। क्या फॉर्म करेगा? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक क्या है? दो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक बॉडी को एक्टिवेट करेगा, पैरासिंपैथेटिक बॉडी को रिलैक्स करेगा। उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ANS जब पढ़ेंगे तभी। क्लियर? डायग्राम भी दिया है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, रामस डॉर्सालिस। ठीक है, बोलो। आपने बोला, हाँ आपने बोला था ना कि पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेट करेगा वो। सिंपैथेटिक एक्टिवेट करता है, अच्छा पैरासिंपैथेटिक उसको बॉडी रिलैक्स को करता रिलैक्स है, करता है, यानी एक्टिवेट नॉर्मल नहीं करता। लेके आएगा। हाँ, डीएक्टिवेट नहीं करेगा, बॉडी को नॉर्मल लेके आएगा। ओके सर, नाइट फॉल किस होता है? नाइटफॉल आपने बोला फीलिंग नहीं आती, हाँ मतलब क्या? नहीं, वो उसके लिए नहीं बोला था, आपने बोला सपने में ड्रीम्स में फीलिंग भी नहीं समझा नहीं किसी मतलब। चीज की भी, हाँ, मतलब फील यू नहीं कर पाते फील सर, नहीं कर फिर पाते, बट तुमको विजुअल स्टिमुलेशन तो है। नाइटफॉल कैसे? नाइटफॉल इसलिए बिकॉज अगर सपोज सीमन बहुत सारा है और सीमन को आउटलेट नहीं मिला है, और रात के टाइम पे अगर हम कुछ ऐसा सपना देखते हैं जो तो हमारे रात के टाइम ही क्यों? रात के टाइम पे, इसलिए बिकॉज यूजुअली वी टेंड टू टच आवर सेल्स मोर ड्यूरिंग द नाइट, वही टाइम पे हम लोग रिलैक्स है, हम हमारे हाथ फ्री है अपने आप को टच करने के लिए। तो फिर नींद रात को किस हाँ, अपने नींद में कोई होता वो है नहीं ना, करते सुबह, नींद में क्यों नहीं होता? टच इज मतलब नॉट नॉट नींद फिजिकली स्टोकिंग इट ऑफ, बट करता है ना कि जस्ट टचिंग इन एंड अराउंड दैट एरिया, या मे बी नींद में करता है कुछ पार्ट ट्रिगर हो गया जिसके वजह से हमारा बॉडी इधर में सर्कुलेशन बढ़ गया, देयर इज इरेक्शन। एट द सेम टाइम अगर हम लोग ऐसा कुछ सपना भी देख रहे हैं जो हमारे सो कॉल्ड फैंटेसी पार्ट को ओपन अप करता है, और अगर काफी टाइम तक सीमेन बॉडी से बाहर नहीं गया है, तो इट कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ नाइटफॉल। तो नाइटफॉल होने के लिए वैसे ड्रीम्स आने चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी, कभी कभी बिना ड्रीम्स के भी होता है, क्योंकि ड्रीम्स बहुत लोग को आते भी नहीं। तो अगर जस्ट इरेक्शन हुआ है, अगर सीमन काफी ज्यादा है, तो बॉडी का तरीका है वो बॉडी के बाहर निकालने का। बट मोस्टली जो बॉयज का ग्रुप है, कभी हम लोग सीमन रहने ही नहीं देते इतना, कैसे बाहर आउटलेट उसको ऐसा आर्टिफिशियली जाना पड़े, है ना? वी मेक श्योर दैट वी रेगुलरली अपडेटेड, है ना? अरे आप लेफ्ट विंग भगवान चलो, ने हमें को दुआ दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद दी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, इसके पास रिसेप्टर्स होंगे और इफेक्टर ऑर्गन होंगे। क्रेनियल नर्व्स आएंगे ब्रेन से, ब्रेन से कितना पैर है बच्चा? 12 पेयर्स ऑफ नर्व है। कितने? 12 पेयर्स ऑफ नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से कितने? 31। कैसा 31? टी सर बोलो। आपने नाइट फोन के बारे में बताया, अरे हंस क्या रहा है, चाउट पूछने देना, पार्टी बिल्कुल नहीं आएगा अंडा मत दे बाबा। वो आप सीमेंट जैसे जमा होता है कहाँ पे? अबे कहाँ पे होता है भाई, टेस्टिस टेस्टिस। अरे टेस्टिस में, उसको ये सब टेस्टिस में, वास टेस्टिस डेफरेंस में, लार्ज सेमेनल लार्ज वेसिकल, ये वो सब बताया में करो, सब बोल रहे रुका हुआ रहेगा। नहीं उसको नहीं निकालते इसलिए वो अपने आप आ जाते। अरे निकले, नहीं निकालेंगे काफी टाइम तक, तब जाके वो आएगा। तो भाई रोज बनता है पता है ना, पता है इनसे मिले बहुत लोग तो सेलिबेसी को लेते, सेलिबेसी पता है, ब्रह्मचर्य, दे डू नॉट माल एंगेज इन टू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, बीट विद देयर ओन सेल्फ और एनीबडी एल्स। तो उन लोग को काफी कॉमन होता है नाइटफॉल, बिकॉज इतना सारा जो सीमन रील बन रहा है बॉडी में, उसको कहीं ना कभी तो आउटलेट होगा, काफी कॉमन है वो। कुछ कारण होगा ऐसे बोलते हैं कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट और बेटर होता है, सर, तो उसके लिए तो हम लोग को टाइम दिया है ना कि इस टाइम के बॉडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग कौन सा करने बाय द रूल्स रहते हैं? का क्यों? करने का क्यों? सही बात, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ ना, अच्छा चीज
स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड 31 पे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो सडन चेंजेस है, जो सडन रिस्पॉन्स है वो हमारा ब्रेन नहीं देता, स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेगा। तू क्या चबा रहा है, इमली का रंडी, इतने खराब दिन आ गए तेरे। जो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारा ब्रेन नहीं डिसाइड करता, कौन डिसाइड करेगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा और वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सेंटर है रिफ्लेक्स एक्शन का, वो डिसीजन देगा हमारे मसल्स को कि किस तरह से एक्ट करना है, जैसे कुछ भी चीज गर्म ठंडा लगा तो हम लोग हाथ तुरंत पीछे लेते हैं, वो हाथ का पीछे लेना इज नथिंग बट रिफ्लेक्स आर्क, क्लियर। सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद हॉट कोल्ड पॉइंटेड स्केरी इनवॉलंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। उसमें एक एफरेंट या रिसेप्टर न्यूरॉन होता है, एक इफरेंट या इफेक्टर न्यूरॉन होता है, कहां से कहां आएगा वो फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। एफरेंट क्या है, जो सिग्नल लेके आएगा, इफरेंट मतलब जो लेके जाएगा, इफेक्टर मतलब सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं, मैंने ठंडे मैंने गर्म पानी को टच किया, गर्म पानी के वेसल को टच किया, तो यहाँ पर मेरा इफेक्टर न्यूरॉन कौन सा, जो मेरे स्किन से लेकर आया, तो इफरेंट वाला लेके जाएगा ना। एक मिनट रुक जा, सुन ले पहले, ये एफरेंट है, ये रिसेप्टर, क्या है ये रिसेप्टर, उसके बाद मेरा स्पाइनल कॉर्ड मेरे ये वाले मसल को सिग्नल देगा, ये वाले मसल को कि तुम पीछे कॉन्ट्रैक्ट करो, दैट इज इफरेंट या इफेक्टर, समझा। तो स्किन क्या है यहाँ पर, रिसेप्टर या एफरेंट, और मसल क्या है, इफरेंट या इफेक्टर। तो लेके कौन सा आता है कि तुम खींचो हाथ कहाँ से कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तो ये, हाँ इफरेंट, इफरेंट एग्जिट वाला, लेके कौन जाता है, एफरेंट, ए एफरेंट को हम बोलेंगे रिसेप्टर जो रिसीव करेगा, इफरेंट को हम बोलेंगे इफेक्टर जिसके ऊपर इफेक्ट होगा, मतलब चटका इसको लगा बट एक्टिवेट ये दोनों होंगे और हाथ पीछे आएगा, समझा। यस सर, एक डाउट सर, ये जो हमने ये सर्वाइकल और थोरैसिस और लंबर रीजन ये वाला जो पढ़ा, तो ये किसके बारे में पढ़ा था, मतलब नर्व्स का, ये स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पैर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो पूरा, हाँ, पूरा तो वहाँ पर सर्वाइकल रीजन में 8 है, तो उसको हम नंबर देंगे C1, C2, C3। अगर आप फोर्थ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में यही पार्ट है तो तुमको त्रास देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे तुमको हर एक नर्व को ऐसा लोकेट करना पड़ेगा, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ऐसा C1 टू C8 के सबके अलग अलग नाम, T1 से लेकर T12 के सबके अलग अलग नाम है, L1 से लेकर L5 का सबका अलग नाम है, और प्रैक्टिकल में यही पूछते हैं, ये वाला नर्व बताओ, ये वाला नर्व बताओ, ठीक है, क्लेविकुलर स्कैपुलर नर्व कहाँ पर है वो बताओ, ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला के बीच से आने वाला नर्व है जो C3 वाला नर्व है आई थिंक सो, तो उसको पूरा लोकेट करके बताना पड़ेगा तुमको, फोर्सेप्स उठा के किया ये रहा ऐसे करके, उसके अलावा हाँ प्रैक्टिकल कैडेवर, ठीक है, उसके बाद कॉक्सिक और सैक्रल, वहां पर जो नर्व है बहुत मिक्स्ड है, तो वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर वाले तीन डिफिकल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कुछ ऑलरेडी थोरेक्स वाले पार्ट में बहुत सारे ऑर्गन से पड़े, थोरेक्स वाले पार्ट में ये वाले पार्ट में बहुत सारा ऐसा खिचड़ी किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ लोकेट करना डिफिकल्ट है, ओके। सेंस ऑर्गन से एफरेंट पे आएगा, एफरेंट से डॉर्सल नर्व रूट, डॉर्सल नर्व रूट से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इफरेंट, ठीक है, इफरेंट से वापस इफेक्टर ऑर्गन। नी जग रिफ्लेक्स क्या होता है, नी जग रिफ्लेक्स, नी पे से जब हथौड़ा मारते हैं तो लात अपने आप आता है, दैट इज कॉल्ड एज नी जग रिफ्लेक्स। ये वाला जो पार्ट है ना, नी घुटना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर जब आप ऐसा मारते हो हथौड़े से, ऐसा हथौड़े से पर्टिकुलर एरिया में, तो अपना अपना किक बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज नी जग रिफ्लेक्स। कैसा होता है बताता हूँ, ये वाले पार्ट में जब आप मारते हो तो अपना किक बाहर आता है, कैसा है मालूम है, ये ट्रिगर तुमने असेंबली में किया होगा, ये तुम्हारे दोस्त के पीछे खड़े रह के, हाँ, उसके ये वाले पैर पैर पे ऐसा तुम लोग ऐसा कर देते हो, आगे वाला पूरा कोल्ड हो जाता है वन पैर, वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्स ही है, अभी तुमने इतना जोर से मारा ही नहीं उसको, बट ये उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, यहाँ का स्किन बहुत पतला होता है, हाँ, और यहाँ पर तुमने किया तुम्हारा बॉडी लिटरली से घड़ी हो जाए, है ना, ये वाला पार्ट आगे जाएगा, अपने आप ये वाला पार्ट पीछे आएगा, ये वाला पार्ट पीछे आएगा तो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिरा, सेंटर ऑफ बॉडी गिरा, ग्रेविटी गिरा से तुम्हारा बॉडी आगे की तरफ लीन करेगा, तुम लिटरली ऐसा बैग में फोल्ड हो जाओगे फिर, ओके। और कुछ जोर से मारने का जरूरत भी नहीं, सिर्फ खाली परफेक्ट जगह पे टिचकी मारना है, टच भी नहीं, टिचकी इज द वर्ड, ठीक है, क्लियर। यस, ये भी एक टाइप का, यही नीजक रिफ्लेक्स का एक्सटेंशन है,
ऑल्दो नीजक रिफ्लेक्स ऑर्थोपेडिक में और जो नर्व का स्टडी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा नीजक रिफ्लेक्स चेक करते हैं, टक टक से एकदम ट्रायंगल सा हथौड़ा होता है जो एक मिनट जो रेसर एंड ड्राइवर होते हैं ना वो अपना रिफ्लेक्स ज्यादा अच्छा करते हैं, बहुत बहुत लोग करते हैं, स्पोर्ट्स में भी होता है, माही को देख ले उसका रिफ्लेक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बॉल आएगा स्टंपिंग पे चला जाएगा, जडेजा प्रैक्टिस 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 एवरीथिंग उसका तो सोच रिफ्लेक्स कब डेवलप होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में डेवलप होता है, तुम कोई चीज को इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे बॉडी के लिए लगे कि वो ऐसा डे टू डे इमरजेंसी वाला रिस्पॉन्स इतना फटाफट होगा, वो कुछ कुछ फील्डिंग का तुम वीडियो देखोगे, ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है कभी हार्दिक पांड्या ये तो अभी फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, अगर तुम पुराना क्रिकेट वाले मैच का कोई वीडियो देखो जिसमें पिक्सलेटेड होगा, कभी जॉन्टी रोड्स का फील्डिंग देखना, जॉन्टी रोड्स वाज द ओनली प्लेयर जिसको मैन ऑफ द मैच मिला था जबकि वो सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट होकर मैन ऑफ द मैच मिला था वो भी फॉर फील्डिंग, इमेजिन कर क्या फील्डिंग किया होगा उसने, दो तीन रन आउट लिया था, एक दो कैच लिया था और एकदम क्रूशियल सिचुएशन पे लिया था, मतलब पता है ऐसा प्लेट करके थोड़ा आगे बढ़ते हो फिर भागते नहीं है ना प्लेयर लोग ऐसे उसमें, हाँ ऐसा प्लेट करके मोमेंटम में टच करके आ गया वो ऐसे डाइव मारा डायरेक्ट स्टंप के ऊपर उड़ के और वो रन आउट हो गया जबकि वो बस स्टार्ट ले रहा था, भागने के लिए, हाँ तो वो ये इतना होगा बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, और सिर्फ क्रिकेट में, क्रिकेट मेरे को पसंद है, मुझे क्रिकेट का होता है, टीटी वालों का देख रिफ्लेक्स कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है हॉक वालों का रिफ्लेक्स है कितना स्ट्रांग होता है, क्या गिरा थे बुक फोन मेरे पास, शिट गलत चीज गिरी, ओके तो रिफ्लेक्सेस जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, देख मैंने बोला ना एवरीथिंग इज न्यूरॉन का कनेक्शन, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन का कनेक्शन है उतना फास्ट तुम रिफ्लेक्स उतना फास्ट तुम कर सकते हो, जैसे कुछ लोगों को पता है पेन घुमाने का आदत होता है, उन लोग बहुत अच्छे से पेन घुमा सकते हैं, कभी भी तुम सुन रहे हो लिख रहे हो मूवी देख रहे हो बट वो पेन घुमा सकते हो, तो उनका रिफ्लेक्स इतना बैठा हुआ है कि कोई भी एक्टिविटी करते करते उनका वो पेन वाला रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, हाँ बोलो पेन को यूज ही करना है तो बुक पे करो लिखने के लिए, तो मतलब सर जो ये वाले हाथ से बॉल हाथ में आई उधर सब वो पूरा रिफ्लेक्स ही है, पूरा रिफ्लेक्स और दैट कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग, लेकिन इतना हाई रेट उसको भी किया जाता है, हाँ बहुत कुछ होगा स्पोर्ट्स में, हाँ बहुत कुछ होगा बट ये इतना फास्ट बिकॉज़ वो बहुत कम टाइम में बॉल हाथ में आ रहा है, कम टाइम में हाथ को आगे लेके जाना है और परफेक्ट जगह पे लेके जाना है सो दैट स्टंप उड़े, एट द सेम टाइम बैट्समैन का भी तो रिफ्लेक्स है, उसको भी तो पैर रखना है, तुम उसको बीट कर रहे हो, उसको बीट कर रहे हो तीन चीज करके, दैट इज व्हाई इट इज रिव्यूड वेरी मच, और जो स्पीड है इट इज लेस देन व्हाट जितना साइनेप्स को लगता है, यस 0.4, हाँ साइनेप्स को कितना लगता है 0.5, तो इतना फास्ट है इसलिए तो इतना हम लोग बात कर रहे हैं उसका अभी, और इतना कमेंट्री लोग भी पा कि ऐसा कितना ऐसा कैसा कर दिया उसने, हाँ एक और वो आई थिंक सो एक और वो रिएक्शन टाइम वाला वीडियो था जहां पर किसने किसने पीछे से थ्रो किया था कोहली को अच्छा, हाँ, और कोहली यहाँ से ऐसा सर्कल के वहां से ऐसा फेंक के मारा था, राहुल आई डोंट नो बट वो भी बहुत मस्त था, अब वो थ्रो किया ऐसा हो तो वो सब क्या है, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग, अभी वो कैच वाला तो रिफ्लेक्स नहीं था बिकॉज में बहुत ज्यादा टाइम मिला, रिफ्लेक्स इसमें देखेंगे इसमें टाइम बहुत कम मिलता है, तो अगर जो क्लोजिंग कैच है वो फटाफट टूट गया वैसा वाला, यस जैसे जो होटी का था ब्लाइंड वाला वैसे लेके फेंका था ना, जो बॉलिंग करते वो बॉलर था बॉल नीचे आते बॉलिंग वो तो चिपका है, वो तो चिपका है, नहीं नहीं हाँ मालूम है वो, बट हाँ बट वो तुमने परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट हाथ रख दिया तो आ गया वो, क्या कॉटन बॉल वाला उसमें भी रिफ्लेक्स है बट उसमें इतना स्किल नहीं है वो, इट इज लक बाय चांस क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते तुम, ये रिफ्लेक्स सब आएगा जब तुम कोई चीज को प्रैक्टिस करो, तुम टाइम करते हो, स्टिमुलस से रिसेप्टर मसल पे जाएगा, एफरेंट पे जाएगा, एफरेंट से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन से इफरेंट, इफरेंट से इफेक्टर मसल, ये 31 वाले नर्व्स हो गए, 31 वाले नर्व्स का नाम हम नहीं, जो 12 नर्व्स उसका नाम अपने को याद रखना है, क्रेनियल नर्व्स एमनियोट्स में डेवलप होता है, एमनियोट्स क्या है बच्चा, जिसके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें आएंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स, 12 पेड्स है रोमन नंबर में लिखा जाता है, कंपल्सरली रोमन नंबर में ही लिखा जाएगा, सेंसरी नर्व्स है 1 2 8, सेंसरी क्या है 1 2 8, क्या है सेंसरी 1 2 8, सेंसरी क्या है 1 2 8, सेंसरी 1 2 8, सेंसरी 1 2 8, सेंसरी 1 2 8, मोटर है 4 6 9
सॉरी 4 6 11 12 क्या है? 4 6 11 12 क्या है? मोटर 4 6 11 12 मोटर 4 6 11 12 एक मिनट रुको रुको, 3 भी है, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सर, मोटर नहीं याद करना, मिक्स याद करना अपने। 1 to 8 क्या है? सेंसरी। 1 to 8, 1 to 8, 5 7 9 10 mix, 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 1 to 8 sensory, बचा हुआ motor। motor मतलब जो voluntary organs पे जाएगा, sensory मतलब जो sense organs पे होगा, mix मतलब जो दोनों को associate करेगा। clear? वापस से, sensory वाला 1 to 8, mix वाला 5 7 9 10, clear? बाकी सब motor, easy? एक से लेके 12 तक के न्यूरॉन्स है, सबका अपन नाम याद रखेंगे, ठीक है? एक तो नंबर आता है 1 से 12 तक, बस परफेक्ट, आधा काम हो गया अपन। अभी 1 to 8 सेंसरी है, 5 7 9 10 क्या है? मिक्स्ड है, और मोटर क्या है? बचे हुए सर, तो ये तीन भी याद हो गया, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हो। अब दिक्कत है कि वो 12 का 12 सीक्वेंस में कैसे याद रखें? इसके लिए एक निमोनिक है जो अपने को याद रखना है। ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर ग्रेटली वैल्यूड, से हाई। क्या है? बोलो ऑन ओकेजन, एक मिनट, एक ही करके, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी दी अट्रैक्टिव फेसेस आर ग्रेटली वैल्यूड, से हाई। ठीक है, अभी ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी क्या है? ऑन इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, फिर ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसेंस, अट्रैक्टिव एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये सारे न्यूरॉन्स के नाम अपने को याद रखना। अरे नहीं, वो कट नहीं किया, वो कट करके कट किया। On occasion of party, the attractive faces are greatly valued, say hi. अगर वो नहीं अच्छे से दिख रहा है ना, तो जुबे ने भी लिखा हुआ है, ये शायद नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों सर नहीं है ना, एक मिनट को मुझे चेक करने दो। क्या 1 2, अरे उसने ना सीक्वेंस चेक किया है, हाँ वो 3, नंबर चेक करो, नंबर चेक करो। ऑन ओकेजन और पैथेटिक लिख दिया उसने, इट इज ऑन ओकेजन, ऑक्यूलोमोटर, नंबर चेक करो, नंबर से समझेगा। ऑन ओकेजन फिर ऑक्यूलोमोटर है, 3 3 3 देखो, 3 3 का है, पार्टी पार्टी 4, फिर सीधा ट्राइजेमिनल। हाँ बराबर, उसने नंबर सही लिखा है, उसका लिखने में ऊपर नीचे, इससे नंबर चेक करो। अगर नहीं समझ रहे ना, तो जुबे से फोटो ले लो, जुबे आपने लिखा ना, बराबर लिखा। हाँ ये रहा, देखो On occasion of party, the attractive faces are greatly valued, say hi. ठीक है, इसमें 1 olfactory, ध्यान दो सब लोग, olfactory, oculomotor, 1 to 8, 8 कौन सा है? ऑडिटर, ये तीनों क्या है? सेंसरी। उसके बाद मिक्स कौन सा है? 5 7 5 7 9 10, 4 नहीं है, 4 बोला तुमने, 5 7 मतलब ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसो फेरेंजियल और वेगस, ये सब क्या है? मिक्स्ड। बाकी सब क्या है? मोटर। मोटर इजी, यस। सब कहां पर है वो याद रखना, उसका फंक्शन तो बहुत इजी है। ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, सेंसरी टाइप का है, एपिथेलियल ऑफ नोज भी होगा, फंक्शन क्या है? स्मेल। ऑप्टिक सेंसरी है, डायन्सेफेलॉन के साइड में होगा, रेटिना ऑफ आईज का फंक्शन क्या है? विजन। देन कम्स ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर मोटर टाइप का न्यूरोन है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन पे है, ये आई मसल्स पे होता है, 4 to 6 आई मसल्स, और ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल करता है। ऑक्यूलोमोटर एक्चुअली लेफ्ट टू राइट मूवमेंट का काम करता है, लेफ्ट टू राइट जो आई बॉल ऐसा मूव होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, किसकी वजह से? आई बॉल अगर फास्ट मूव कर रहा हो तो बिकॉज अपना विजन चेंज होता रहता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोगों का हमेशा आई बॉल मूव करता रहता है, तो लोगों को कॉन्सेंट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है। ताने होते हैं लोग का, फिर लोग का तो क्या जो ए, हाँ स्क्विंट ना, हाँ तो ये उनका सा एक दर उधर वो क्यों लगे, वो होने का बहुत सारा रीजन है, कभी कभी बचपन से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, तो उनको ना नहीं, फिर उनका ब्रेन एक वाले आई को म्यूट कर देता है, तो उन लोग का फिर उन लोग का आदत लग हो जाता है। हम लोग को दोनों आंखों से विजन आता है, राइट?
हम लोग को तो राइट आंख से भी दिखता है, लेफ्ट आंख से भी दिखता है, बट हमारा ब्रेन एक ही आईज पे ज्यादा विश्वास रखता है। हम लोग आंखों से भी राइट या लेफ्ट ही होते, पता है तुमको? पता था। हाँ, अंगूठा ले अपना ऐसा नाक पे रखो और एकदम स्ट्रेट लेके जाओ, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तुमको फिलहाल अंगूठे पे जूम करो तो पीछे वाला चीज ब्लर दिखना चाहिए, राइट? फोन रख देना हाथ से और हाँ स्ट्रेट हाथ रखना। हाँ, अभी जो तुमको तुम्हारा विजन अभी दिख रहा है उसको याद रखो, फिर लेफ्ट आई बंद रखो। अच्छा, किया? तुम्हारा विजन थोड़ा हिलना चाहिए, राइट आई बंद करो और फिर ऐसे करते जाओ। फिर याद रखो, लेफ्ट आई बंद करने पर क्या विजन था, लेफ्ट राइट आई बंद करने पर क्या विजन था, और दोनों आँख खुलने पर क्या विजन था। तुमको पता चलेगा जब एक आँख तुम्हारा खुला है तब डिविएशन ज्यादा होगा, दूसरे हाँ आँख पे कम डिविएशन होगा। जो आँख पे कम डिविएशन है तुम्हारा ब्रेन वो आईज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हमारी हमारा आँख बेसिकली ऐसा और ऐसा दिखता है, हाँ बट हमारा विजन एक साइड पे ऐसा होगा, तो मतलब मेरा ब्रेन जो है वो ये आँख को ज्यादा, राइट। हाँ राइट या लेफ्ट जो भी हो वो सबके लिए चेक अलग करो, अलग नहीं होता है। तो मेरे तूने को टेढ़ा कौन रखा सा है, दिख तेरा रहा हाथ टेढ़ा है, फिर है देखो भाई? राइट सर में यहाँ दिख रहा है, कोई भी हो सकता है सर, यूज। लेफ्ट का ऐसा मत करो, कोई इस साइड हो रहा है, राइट हाँ वो तो का होगा उस ही। साइड हो रहा है। हाँ तो एक होगा जिसमें कम चेंज हो रहा होगा हाँ थोड़ा ये सा। राइट वाले पर हाँ तो तू राइट राइट बंद करने पे खुलने पे, हाँ तो तू लेफ्ट ही आंखों से, तू लेफ्ट हैंड में लिखता भी है थोड़ा हाँ सा, नॉट नेसेसरी, ये ऐसा फिक्स नहीं है, बट कैसे कैसे राइट लेफ्ट पे कैसे डिसाइड हो? ब्रेन करता है। कभी भी किसका कुछ भी हो सब, जैसे मेरा डोमिनेंट आई लेफ्ट आई है जबकि मैं राइट ही हूं, हाँ कैसे? डजेंट मैटर, वो ब्रेन को लगता है कि ये एंगल से दो हाँ वाला एंगल लेफ्ट पे करता है। लेफ्ट सिमिलरली जो लोग स्क्विंट स्क्विंट होते हैं फिर उन लोगों का ब्रेन फिर एक आई का जो विजन उसको फिर इग्नोर करता है, मतलब लेफ्टी कांड हूँ, मुझे लेफ्टी लेफ्टी बंद से अच्छा करो ना, दिखता। तो ऐसे जिधर मैं उधर ही देखता हूँ, हाँ राइट बंद करो तो इधर हाँ तो कौन सा खोलने पे चेंज नहीं हो रहा है ये वाला और सर, एक राइट और एक वाला, डाउट। हाँ तो तू राइट ही मेरा लेफ्टी है। हाँ है। जैसे हम लोग कोई छोटी जगह बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, जैसे छोटा घर बड़ा घर, बहुत छोटा छोटा घर राइट। है हम लोग उसको देख रहे हैं, जब हम बड़े घर पे जाते हैं हम उसको बहुत टाइम रहते हैं, वापस छोटे घर को देखते हैं तो एकदम छोटा भी लगता है जितना क्योंकि लोग देखते हैं, हमारा कंपैरिजन का चीज चेंज हो गया ना। बड़े से छोटा हो गया। हाँ अब सिंपल सी बात है, अगर तू पहले इतने से घर में रहता था तो तेरे लिए यही सबसे बड़ा चीज था, एंड सडनली तू जाता है वन रूम किचन से, या वन रूम से तू जाता है वन BHK में, तेरे को लगता है हाईला अभी अपने दो रूम एक्स्ट्रा है, किचन भी है एक और रूम भी खाली पड़ा है, क्या करेंगे उधर। फिर तू यहाँ पर बहुत सालों तक रहता है फिर तेरे को ये घर भी छोटा लगता है, फिर तू जाता है 2 BHK, तू बोलेगा अरे वाह एक पूरा नया रूम मिल गया, जैसे भी या अगर तू छोटा हो तो तेरे को मैं बहुत कम देख रहा हूँ, लगेगा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं दूसरे पहला घर पे जाऊंगा छोटा है तो मेरे को छोटा दिखेगा, अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मैं इससे बड़ा दिखूंगा तो मेरे को बड़ा दिखेगा, कंपेयर टू जहाँ पे दिस मैं रह वाला रहा हूँ। यस, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज होता रहता है, ये मोशन में भी होता है ना, इसे तो हम बोलते हैं मोशन रिलेटिव है, कि हाँ अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है। बिल्कुल, हम लोग फोटो में कोई भी चीज, अभी फोटो में मॉन्यूमेंट है या मॉन्यूमेंट का फोटो है, हम लोगों को कैसे मालूम पड़ता है, साइज तो उतना है ना। अब आईफिल टावर फोटो में भी इतना ही दिख रहा है पर मुझे मालूम है कि असली आईफिल टावर का फोटो, बिकॉज मैं आसपास की चीजों को वो तो कंपेयर करता हूँ। पर्सनल भी होता है ना, वो तुम नहीं समझ रहे तो मेरा 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 तुम स्टेटमेंट नहीं समझ रहे हो, अगर मैं कोई मॉन्यूमेंट का फोटो देखता हूँ मुझे मालूम पड़ता है कि यार आईफिल टावर बहुत बड़ा है, अरे सच में अब कैसे मालूम पड़ा, अरे बट फोटो में वो सामने नहीं फर्क दिखेगा ना। फोटो में तो साइज इतना ही है ना, हाँ बट मुझे फोटो में भी समझ में आता है कि काफी बड़ा चीज है, क्योंकि मैं आसपास की चीजों को कंपेयर करता हूँ उससे, हाँ तो बोलते अरे पेड़ देख इधर ही खत्म हो रहा है, लोग तो दिख भी नहीं रहे, आसपास का बिल्डिंग तो दिख ही नहीं, मतलब ये तो काफी बड़ा हुआ, तो मेरा रेफरेंस चेंज हुआ ना, जबकि साइज तो इतना ही है फोटो का। तो वीडियो और फोटो में भी होता है, जैसे मैं आपको वीडियो से दिखूंगा आप मेरे को कुछ अलग दिखोगे थोड़ा सा, और अलग साउंड को, मैं सिर्फ साइज का बात कर रहा हूँ, तो जो तुमने बोला ना फिर जो बड़े और मैं बोल छोटे रहा का, हूँ तब वो मैं समझ गया, जो हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ वो मैं क्योंकि समझ जो कैमरा का पिक्सल और जो तुम्हारी आंखों का गया। पिक्सल है वो अलग अलग है ना, तो बोल रहे हैं कि अगर हम कलर की वीडियो बात में नहीं कर बात रहा, कर रहे हैं, समझ लो क्या मैं आप मेरे को दिख रहे हो, हुँ, आप फ्रंट कैमरा पे अपने आपको पूरी बॉडी दिखा रहे हो, मैं आपको वीडियो से देख रहा हूँ, मैं चाहे पॉसिबल तो आपको सामने से देखूँ तो आप लोग को बड़े छोटे दिखोगे, ऐसे भी कोई है डिफरेंस? बिकॉज तुम्हारा फोन थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता और है। सर आवाज भी अलग आती है, मतलब जित जो रियल आवाज है उससे अलग आवाज आती है फोन में, सर से जो लेकिन कॉल करो तो हाँ कॉल करने को जो आवाज आती है और सामने बात करने से आवाज अलग आती है। हाँ हाँ सर क्योंकि हमारा फोन थोड़ा तो मैनिपुलेट करता है साउंड को और क्लियर करता है, हाई नोट्स को लो नोट्स को और अलग करता है, सो दैट साउंड क्लियर सुनाई दे। अभी तो फोन में बहुत ही अलग हो गया, तुम तुम्हारे आप अपने आप को जो देखते हो
तुम्हारा इमेज इज नॉट जो तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, तुम्हारा इमेज इज दैट जो तुम तुमको फोटो में देखते हो, जबकि यही चीज 10 साल पहले अलग था, जो मेरे ब्रेन में खुद का इमेज है इट इज स्टिल जो मुझे मिरर में दिखाई देता है, जो लैटरली इन्वर्टेड है, तुमको तुम्हारे ब्रेन में जो तुम्हारा खुद का फोटो है दैट इज जो एक्चुअल फोटो जो फोन में दिखता है तुमको, तो पता नहीं नहीं लेकिन मिरर अभी थोड़ा जो थोड़ा वो दिखता है, अगर आप थोड़ा कम होते तो आपको मिरर में थोड़ा ज्यादा दिखेगा। नहीं मिरर प्लेन मिरर में एग्जैक्टली ही दिखना चाहिए। अच्छी बात। सर मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीशा, शीशा, आईना, एक और ही कुछ तो आईना, आईना, दर्पण। हिंदी के वर्ड में तू सेकंड आया ऐसे कैसे। उसको चलो सर ऐसा कुछ तो था, दर्पण झूठ ना बोले। बहुत सारे मुहावरे ना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है, सो पूछो ही इंग्लिश में बोलते ना कि दूसरा आपको कोई आपको तो इंग्लिश में मेरे कैसे होगी को याद है क्या ट्रांसलेशन पता है कि क्या ट्रांसलेशन क्या हो तो बता। आदमी आपको सच्ची बात, जब तक आप जाके शीशे के सामने खड़ा ना हो। क्या इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे मैंने कुछ मैंने और होगा रे, नहीं पता मुझे सच्ची। नहीं, कोई आपको नहीं बता सकते हो कि आप किसान शीशा तो सच हो बोलने में कैसे जाता है। दिखते हो, जब तक तो आप खुद ना देख लो अपने आप को। अरे गाना यार बजाते सर, शीशा में देख लो टूट जाता है। किसको बुलाओ अमिताभ बच्चन को, परवीन बाबी को, बोलो सीना इसको? तमान को, शान मूवी गाएंगे उन लोग साथ में। बस बस सर, नहीं जानता मैं सीरियल को। हाँ जीना रमान को साथ में जीना, वो वाला था सर, वो टकला अजीब इसमें बताओ। जानवर जितना भी खाओ भूखा ही रहे, वो वाला। ये आई चलो पैथेटिक मिड ब्रेन पे होता है, अच्छा आई मसल्स ये रोटेशन ऑफ आई बॉल करता है, ये मूवमेंट ऑफ आई, ये ठीक देखो ऑक्यूलो मोटर लेफ्ट राइट मूवमेंट था राइट, पैथेटिक ऐसा सर्कुलेटरी मोशन है, और ये हम लोग प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जो लोग भरतनाट्यम या जो लोग कथक करते हैं उन लोग का आई का मूवमेंट एकदम परफेक्ट होता है, टू द पॉइंट होता है। सर, उन लोग वो हमारे लोग भी उन लोग अपने फेस के हर एक मसल को मूव कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते हैं, अपने को पता ये भी ढंग से नहीं आता है। आता है हाँ कर दूसरा, कर दूसरा नहीं आर्यन होता कम ऑन। हाँ तो हाँ चलो ये तो हो रहा है, नाइस गुड, करो दूसरा आईब्रो, नहीं होगा करो ट्राई तो करो, ट्राई तो कर क्या होता है देख। देखा है ना, अपने को आंख मारने को भी नहीं आता है, एक आंख मारते दूसरा आंख अपना मिचमिचा जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे हाँ परफेक्ट था एकदम। वो लड़की है ना, वो क्या नाम वॉली को क्या मालूम वाली तेरी कौन सी वाली। वाली, आ, 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 क्या 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 वो क्या नाम है उसका, वॉरियर कुछ तो नाम था ना, वॉरियर, वॉरियर क्या नहीं नाम था उसके, उसका वॉरियर। कुछ तो कॉमन सा ही नहीं था अरे उसका, किसका, नहीं किसका अरे जो आंख मारने वाला था। मीम वायरल हुई थी, फिर उसको लोगों ने ट्रोल कर दिया, फिर उसकी वाट लगा दी, फिर उसका करियर बंद हुआ। अच्छा हाँ, वो गोली मारती है, वो मालूम है, अखिल से गोली। मुझे मुस्लिम गाने पे कुछ तो ऐसे करके तब यही बोल रहे थे। ये नहीं मालूम हमें मुझे, स्कूल का था गुरु, स्कूल का मूवी था। हाँ बट मिरर उसमें का यही है। था कि एक वो कुछ ऐसा इंटरलिजन वाला कुछ हाँ लव वो कुछ तो गाने होता है। हाँ के एक चक्कर में उस मूवी को बैन किया गया था ना पूरे बैन तो सिस्टम मूवी का। कोई को अच्छी बात नहीं है वो, बराबर, अच्छी बात जो जीता नहीं वही है सिकंदर में तो बढ़िया था सब कुछ, वही उन लोग भी ना। स्कूल में ही थे, बड़े उड़ते फिर रहे थे इन हवाओं में, कहीं सीनरी अच्छा बढ़िया था तो हमने इग्नोर कर दिया उसको। अच्छा चलो ऑक्यूलो मोटर मूवमेंट ऑफ आई बॉल, अच्छा मैं इन लोग का बोल रहा था, ये लोग भरतनाट्यम जो करते हैं, अपने को बहुत बार ना ऐसा रियलिटी शो टीवी शो में देखने को बोलते हैं कि जब लोग इतना क्या तारीफ कर रहे हैं डांस का ना, बट जब आप लाइव देखोगे यू विल फाइंड के लोग हर एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से इमोट उन लोगों करते को हैं। प्रॉपर दिखता भी नहीं होते दूर से। हाँ हाँ नहीं उन लोगों को दिखता है, अपने को स्क्रीन पे तो पब्लिक ज्यादा दिखाते हैं ना, प्लस वी डोंट नो कि हमको देखना क्या है एक डांस में, हम लोग सही ढूंढ रहे कि स्टंट आएगा स्टंट आएगा, बट स्टंट नहीं आया तो उन्होंने फालतू डांस हट, बट उन लोगों का जो स्टांस होगा, उन लोगों का जो पॉइज होगा कि ऐसे हाथ रखना, अगर तुमने भरतनाट्यम का इनिशियल स्टेप देखा, उन लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, हाँ उन लोग ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे नीचे ऐसे खड़े क्रूज रहते हैं। पे अब कोई ऐसे खड़े रहना ही बहुत डिफिकल्ट है। नहीं खड़ा रहा हाँ होगा। और उन लोग लिटरली हर एक चीज को ट्रेन करते हैं, भरतनाट्यम का स्पेसिफिकली बात करूं, कथक का भी फॉर दैट मैटर, प्रॉपर कोर्स होता है, 12 साल का कोर्स है। यस 12 साल, उनको ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर बड़ा सेरेमनी करते हैं जिसको बोलते हैं आरंग नेत्रम, आरंग नेत्रम करने के बाद वो लोग ऐसा परफॉर्म करने नहीं प्रोफेशनली परफॉर्म कर सकते हैं, उसके पहले लोग ऐसा प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते टेक्निकली। प्लस द एंटायर थिंग इज उनके गाने ऐसे बीट्स वाले होते हैं, उन लोग बीट्स पे डांस करते हैं, प्लस उन लोग
का लिरिक्स उन लोग नहीं पता, तो उन लोग अपने डांस से पता पता करते हैं. कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दोज क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस, यू डोंट नो द सॉन्ग, बट वंस यू सी द डांस यू कैन नो व्हाट एग्जैक्टली द सॉन्ग इज स्पीकिंग अबाउट. ठीक है, वो लोग ऐसा एक्सप्रेस. हाँ, अभी वो आई डोंट नो, वो एक देवी का गाना है ना, अन्य की नए वो वाला ना, वो गाने का मैंने, अब वो मेरे को डांस गाना मेरे को अभी भी याद नहीं है, पर मुझे इतना पता चला वो डांस देखी कोई तो देवी का गाना है, बिकॉज उसमें पूरा महिषासुर का वध का पूरा बताती है वो. अब जो मैंने डांस देखा था आई डोंट नो वो अभी अवेलेबल है या नहीं. मैंने एक्चुअली एक लड़की का लाइव देखा था, हमारे पुराने कॉम्प्लेक्स में एक लड़की रहती थी, छोटी थी मतलब कुछ स्कूल में थी जब मैं कॉलेज में था, बट वो सीख रही थी और उसका इतना ब्यूटीफुल डांस था, एट द एंड ऑफ द डांस का पूरा आंख रेड था, और वो लिटरली कुछ 8 या 8.5 मिनट का गाना है वो. हाँ, उसमें बाय द एंड ऑफ इट लिटरली तुमको उसके पैर का ऐसा स्टैम्प फील हो रहा है, तुमको एनर्जी फील होता है कि बाबा ये कुछ अलग ही कर रही है, एंड देन यू कैन नो कि अच्छा ये पूरा गाना कोई तो एक स्टोरी का एक पार्ट है जो उसने इमोट किया. तो स्टार्टिंग में पूरा ग्रेस दिखाती है, ब्यूटी दिखाती है, फिर सडनली ऐसा बीट चेंज होता है, पूरा ऐसा करती है तो पूरा ऐसा गजरा सा बाहर खुल रहा है, हाथ में जो ऑर्नामेंट है वो टूटने चालू हो गए, फिर थोड़ा रेज पता चलता है, फिर वो किल कर रही हो मालूम पड़ रहा है, उसकी आंखों में फियर मालूम पड़ता है. ठीक है, आई सॉ दिस डांस ऑफ कथक. कथक इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला. उसमें एक होता है जहां पर लोग ना तुम्हारे सामने तैयार होते हैं, तो वो जो अंकल थे, अंकल ही थे मतलब अराउंड 58-60 के आसपास उनका एज होगा, पूरे फेस में ना रिंकल्स है. ठीक है, और वो डांस कर रहे थे 45 ईयर्स से. ओके, 45 ईयर्स से डांस कर रहे थे, मतलब उन्होंने सीखा हो कम से कम 10-12 साल पहले, तो सुधे कब से कर रहे हो. ओके, और हम लोग गए थे तो ऐसा था कि तुम 7 बजे का शो है बट 5 बजे से गेट्स ओपन है. 5 बजे उन लोग क्या करते हैं, पब्लिक के सामने पूरा मेकअप बनाते हैं ऑर्गेनिक चीजों से, चंदन घिसते हैं, ग्रीन कलर का फ्लावर घिसते हैं, रेड कलर का सिंदूर घिसते हैं, और फिर उससे पेस्ट बना के पूरा करते हैं. प्लस अब उनका, हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ उन लोग पेंट बनाते तेरे सामने, और प्लस उन लोग ना आंखों के अंदर मेकअप करते हैं, मतलब आई लाइनर कैसे यहाँ पे लगा, उन लोग ऐसे खोलते हैं और यहाँ पे तरफ करते हैं, बहुत निकलता है, बट उन लोग को नहीं निकलता, उनको देख के ऐसा लगता है कि कैसे करते हैं. प्लस अंकल को रिंकल था, ठीक है, अंकल टेप लेते थे चिपकाते थे सो दैट वो मेकअप खराब ना हो. डेडिकेशन दिख रहा है, और पूरा स्किन उन्होंने पूरा ऐसा कर दिया, ये अपलिफ्ट कर दिया ऐसे. ठीक है, प्लस उसको ब्लेंड किया है सो दैट मालूम ना पड़े जब पूरा मेकअप खत्म हो गया है कि स्किन को खींचा गया है. ठीक है, पूरा, और उनका पूरा उन्होंने हेड गियर और वो पूरा पहना, जो भी उनका कपड़ा था, वो इसमें कैसा है कांतारा में वैसे टाइप का. ठीक है, कांतारा में भी काफी हैवी है, इनका जो वेट था पता है कितना था, 38 से लेके 45 kg तक का रेंज है उसका. उसका बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है, हाँ, वो पूरा कपड़े का, वो जैसा गोल वाला है, फिर हेड गियर है वो. फिर ठीक है, उसमें एक था कि उन्होंने ना, उन लोग ने बताया कि ऐसा एक्टिंग के ना 9 रस होते हैं, ऐसे 9 9 इमोशंस होते हैं. उन लोग ने बोला कि अभी नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे कि 9 रस कैसे चेंज होते हैं, मतलब 9 फॉर्म्स ऑफ एक्टिंग बाय जस्ट दी आईज. तो ऐसा एक उन लोग ने ऐसा हेड, ऐसा पर्दे जैसा था, वहां पर सिर्फ उनका आंख दिख रहा था, आंख और इतना नोज वाला पार्ट. गुस्से का ऐसा कुछ तो होता है, तो उन लोग ऐसा बोलते थे ना, ऐसा ऐसा द्वेष, द्वेष मतलब जेलेसी, तो जेलेसी में कैसा आंख होगा वैसा. ठीक है, स्नेह, स्नेह मतलब क्रश या प्यार. ठीक है, फिर इंटेंस लव के लिए अलग था, फिर लस्ट के लिए अलग था, ऐसे अलग अलग फॉर्म. नाव नाव बोलो तुमको सच में दिख के लगे, अरे हाँ ये ऐसा है, ये गुस्से में है, ये अभी रो रहा है. और उसका लास्ट था एकदम सोरो एंड क्राई, उसके जस्ट पहले था एकदम लाफ्टर, तो लिटरली वैसे बोलता है हास्य, एकदम हंस रहा है, आंखों से मालूम पड़ता है. और तुरंत नेक्स्ट बोलता है क्या था कुत्तो, मतलब सोरो या डीप ग्रीफ, और सडनली ऐह करके रोया तो पूरा आंखों में से पानी जा रहा है. और सडनली नेक्स्ट उसका जो एक्ट था उसमें लोग कुत्तो स्टोरी इनैक्ट कर रहे थे. ठीक है, ये पूरा 2 घंटे का शो था, बट जो ब्यूटीफुल शो था कि कैसे हम लोग करते हैं, एंड यू कैन लिटरली फील कि ये इसके लिए सच में पढ़ाई का जरूरत है, तुम ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, ऐसा ट्रेनिंग से ही आएगा. उन लोग लिटरली ये पार्ट ऐसा मूव करते, ये चीक का मसल मूव कर रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं कि ऐसा मूव भी कर सकता है खुद से. ठीक है, ऐसे नहीं, होठ नहीं, ये सिर्फ ये वाला पार्ट मूव हो रहा है, कि जब वो गुस्से में तो पूरा उसका ये ऐसा पूरा ये काप रहा है, कि वो राजा बना था और वो बोल रहा है राजा को कोई चैलेंज करता तो मेरे को कैसे चैलेंज कर सकता, तो हाथ ऐसा काप रहा है, पूरा ये फेस ऐसा थर थर रहा है, ऐसा ऐसा, हाँ वैसे ही टाइप का. हम लोग तो उसमें भी सिलेक्ट करते हैं क्या,
एनुअल डे के लिए था तो वो तो हमारा तो सिलेक्ट तो करना है पड़ेगा, सब लोग जाएंगे तो फिर ऑडियंस कौन रहे, सब लोग खाली है कहाँ पर, जैसे हम लोग कॉलेज में ऑडिटोरियम, हाँ कॉलेज में जाने वाले भी। हमारा चलो जो कॉलेज है मतलब कुछ है भी नहीं। अरे तुम ही नहीं हो कॉलेज के, अच्छा तुमको क्या मालूम क्या चल रहा है। ट्राइजेमिनल नर्व में, उसको हम डेंटिस नर्व भी बोलते हैं, इसमें तीन है, ऑप्थैल्मिक है ठीक है जो सेंसेशन ऑफ स्किन टच करता है, मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी मतलब अपर जो, मैंडिबल मतलब लोअर जो, तीन टाइप का नर्व होगा, मैंडिबल लार्जेस्ट है नर्व, ये तीनों में से लार्जेस्ट है ऑब्वियसली, मैस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखा हुआ है, एब्ड्यूसेंस मोटर है, मसल्स ऑफ आई बॉल, लैटरल रेक्टस, ये भी मूवमेंट ऑफ आई आई के लिए काम आता है, फेशियल, ये चैट क्या चालू हो गया, क्या दो फोन दो कर कल लेके जाना, दे रहा दो दे दो, अरे एक दिन रहेगा ठीक है, ये रहेगा, क्वेश्चन है सर इतना है, कोई बात नहीं नरेंद्र नाराज को पापा का अंडा नहीं देना, मेरे पास है ना, मैं भेज दूंगा। नहीं चलिए कोई बात नहीं रहेगा। फेशियल मिक्स टाइप का नर्व होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ नेक, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, टीयर्स का सिक्रीशन, फिर टेस्ट, सलाइवरी सिक्रीशन, ये सब करता है फेशियल। ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ऑडिटरी नर्व दो काम करता है, एक है ईयरिंग का, एक है बैलेंसिंग का ठीक है, इंटरनल ईयर पे होता है, हेल्प्स इन ईयरिंग एंड इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग, ये सब में ना सब कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, नंबर नाम वो मोटर मिक्स और सेंसरी वो हमने ऑलरेडी याद कर लिया, सिर्फ फंक्शन याद रखो, और फंक्शन भी काफी सिमिलर है, जो नर्व है उसके ऊपर ही है राइट, अगेन फंक्शन भूल भी गए तो भी चलेगा, नंबर नाम सेंसरी मिक्स या मोटर ये याद रखो बस, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखोगे चलेगा सर ये फेशियल में लिखा है पेरिंग जेनिक्युलेट गैंग्लियन, फाइन। हाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्लिया होते हैं जो कंट्रोल करेंगे अलग अलग पार्ट ऑफ द फेस को, और यही हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग को प्रैक्टिस ही है इसको मूव करने के लिए, इससे जब हम आंख मारते तो पूरा फेस ऐसा हो जाता है ठीक है, वेरियस हर एक पार्ट के लिए अलग अलग सेंसेशंस है ओके। ग्लोसोफेरेंजियल मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड में है, टेस्ट, सलाइवेशन, स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग के लिए भी न्यूरॉन है जो हम लोग को स्वॉलो करने पे करता है, इनफेक्ट आपने सुना होगा जब रेबीज होता है तभी हाइड्रोफोबिया होता है, तभी ये वाले नर्व पे अफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग को कोई भी चीज निगलने से डर लगता है ओके। वेगस नर्व जो न्यूमैटो गैस्ट्रिक सेंटर है, विसल सेंसेशन, वेगस नर्व सबसे बड़ा नर्व है, और ये नर्व है जो अलग अलग ऑर्गन तक जाता है, हार्ट के मूवमेंट्स को, डाइजेशन के मूवमेंट्स को, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है वेगस नर्व। 11th इज स्पाइनल एसेसरी, मोटर टाइप का नर्व है, नेक शोल्डर मूवमेंट्स, लैरिंग्स, थोरेसिक रीजन पे, फेरिंग्स, एब्डोमिनल, ये सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हाइपोग्लोसल, टंग मसल, और ये मूवमेंट ऑफ टंग पे हेल्प करता है, हाइपोग्लोसल अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, टंग का मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम बोलते हैं तब हमारा टंग अलग अलग पार्ट पे टच होता है, और ये टच होना बहुत जरूरी है, और ये हम लोग लर्न करते हैं या अक्वायर करते हैं, हमको सिखा नहीं सकता है, हमको देख देख के सीखना पड़ता है जब हम बच्चे होते हैं, कुछ लोग इनिशियली बहुत तोतला बोलते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद सीखते हैं या बहुत लेट बोलना सीखते हैं, सर क्योंकि तभी वर्ड्स अपने को पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, हमने सब सुना और हम लोग एक्टिंग करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इसलिए छोटे बच्चे लोग का जो भी वर्ड्स होता है सब रिपीटेटिव वर्ड्स होता है, दुदू, भुब्बू, मम्मा मम्मम, सुसु, शीशी, पुपू, क्योंकि वो बैक टू बैक रिपीट करते 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 वो उसको लगता है, और वो काफी बड़े बचपन मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक चलता है, वो बचपन में कभी मैंने क्रिकेट बोला, बैट बॉल ही बोला है, बैट बॉल खेलने आ रहा है, घर घर खेलने आ रहा है, अब घर भी बोल सकते हो, घर घर बोलता हूँ, पकड़ा पकड़ी, छुपा छुपी है ना, तो एक और गेम था झटापटी, झटापटी खेला कभी सुनने, झटपट झटपट अरे झटपट झटापटी, अरे पकड़ा पकड़ी, बट ऐसा टच करते रहना, लॉकिंग ठीक है, उसमें दांत टूटा था एक बच्चे का, हाँ काफी अच्छा, हम लोग के कॉम्प्लेक्स में बैन कर देते थे सब, मीटिंग में बातचीत, ये सब गेम मत खेलो, तो उसमें ऐसा बैक टू बैक था ना मारने का, लोग मार के झुटके से भाग जाते थे, हाँ कभी झुकने के चक्कर में गिर गया वो, ठुड्डी टूट गया उसका, और हाँ डब्बा अरे एक्सप्रेस है, आइस एक्सप्रेस आई स्पाइस का मतलब क्या होता है, आंखों में मिर्ची, इट इज एक्सप्रेस बिकॉज ऐसा ट्रेन के डब्बे जैसे उसको फेंका जाता था,
आइसपेस का क्या मतलब हुआ रे? किसी लेकिन तोतले सब बच्चे ने नहीं बांट लगा बोलते दी। स्पाइसी सब बोलते नहीं, तुम्हारे जनरेशन का ही तकलीफ है, जेनजी का। आई स्पाई है ना, आई स्पाई मतलब मैं स्पाई करूं। नहीं, इट इज डब्बा एक्सप्रेस, जो आई कोको स्पाई बन गया मालूम नहीं कैसा। लगोरी चिकन चॉकलेट ना बोला करो, तंदूरी इमली है इमली चॉकलेट ही चॉकलेट है ना, नहीं इमली है वो इमली है शुगर नहीं है इमली वो, को नहीं हाँ शुगर ऊपर कोटेड कोटेड है, कोटेड अंदर भी शुगर है। नहीं अंदर नहीं तो इमली है, नॉर्मल प्योर इमली नॉर्मल है, पूरा बीज ले लो। प्योर है। सॉरी हम भी हम ये चॉकलेट ही है। हाँ खा के देखो पता चल जाएगा मेलोडी ये खाया मैंने। खाओ कुछ जाना चलो आगे बढ़े। रिफ्लेक्स एक्शन कौन से कौन टाइप के? क्रेनियल रिफ्लेक्स होते हैं जो ब्रेन कैरी करेगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स जो कौन कैरी करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये बेस्ड अपॉन कंट्रोल ओवर द एक्शन है, बेस्ड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस। कंडीशनल रिफ्लेक्स होगा, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होगा। कंडीशनल दो रिफ्लेक्स वो है जो हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, जो धोनी का एग्जाम्पल दिया, जो स्पोर्ट्स प्लेयर का एग्जाम्पल दिया। नहीं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो अपने आप होता है, जैसे छींकना, खांसना, उसके लिए अपने आप रिस्पॉन्स है। यॉन करना, ठीक है, छोटे बच्चे को मालूम है कि छींकना कैसे है, उसको कोई भी सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ उनको मैनर्स नहीं होते, लोग हाथ नहीं रखते, बट ठीक है, बड़े उनके अभी कुछ लोग मैनर्स नहीं आता है, तो ऐसे खुले में छींकते, अच्छू मजा आ गया, नहीं करना है भाई, हाथ रखना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कुछ ऐसा पूरे रोड को ऐसा कफ बना देते हैं कि कहाँ कहाँ मैं स्पोर्ट्स छोड़ सकता हूँ, टीवी के चलो देखते हैं, ठीक है, पूरा मोहल्ला जमा करके खा करके पूरा करते हैं। छोटे बच्चे लोग को भी देखने का काफी, उन लोग को नहीं मालूम छींक कब आ रहा है, अपने अच्छू कर देते हैं उन लोग, ठीक है। कभी कभी अच्छू कर देगा तो सुसु पॉटी सब हो जाता है, उनका आइडिया ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। बट्टू का बहुत होता है, उसको जब काफी भी इसको इसको छोटे बच्चे लोग को, बट्टू को भी है, उन लोगों को पता नहीं कफ कैसे बाहर फेंकने का, तो उनका थूक भी नहीं, उन लोगों का शेम्बू आ रहा है, हम लोग क्लीन करने जाते हैं, अंदर ले लेते हैं, अरे ठीक है। हम लोग आ गया भाई, और इसको हम लोग छोटा है तो सभी नहीं कर सकते कि खींच ले, और इसको कैसे बोल के भाई बाहर फेंक, ऐसे सांस ले बाहर, नहीं ना वही मतलब जोर से सांस ले या सांस छोड़, नहीं बता सकते उसको, तो उसको नहीं मालूम कि ये सब बॉडी फ्लूइड्स का क्या कर रहे हैं, तो चूस लेता है। ठीक तो इट बिकम्स वेरी होता है डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बेबीज टू लर्न ऑल दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। प्लस कभी कभी एकदम शांत बैठता है, मैं पढ़ता सुसु कर रहे हैं। क्या हाँ होता एक बार तो पता नहीं कैसे सुसु किया था, डायपर पहना था बट उसका, ना हाँ, और उसका हाँ पैंट पूरा मतलब गीला है, तो इसे कैसे सुसु किया है? कौन पैंट सा ऑस्मोसिस किया है भी तो सूखा है टी इसने? शर्ट पर गीला नहीं, घुटने के नीचे गीला है और यहाँ से गीला है और डायपर पहना है इसने, और इधर से कौन और हम सूखा है चेक हाइट करके कौन दूसरा बंदा आके सुसु कर गया, पर क्या कुछ मालूम है ऐसा किया था मैंने, सूखा है क्यों जादू सूखा है से किया। नजर खुद उस दिन बाल्टी में सो गया था, बाल्टी में सो नहा नहला रहे थे उसको, गया हाँ सो गया, चिल। क्या जिंदगी है बाल्टी वो में बाल्टी में ही सुसु कर गया नहला रहे के बाद, लोग तो बैठने की लत बने के लिए बाल्टी में आ गया, वो उधर उधर बॉडी की चल रहा है इसमें सो एमआरआई गया में। हाँ भारी लेकिन वो मस्त। चलो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइनेप्सिस इन्वॉल्व, सिंपल मोनोसाइनमेटिक या मल्टी साइनेप्टिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा साइनेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक और ना कंडीशनल रिफ्लेक्स में एक और एग्जांपल है, पावलोस डॉग एक्सपेरिमेंट, जो कभी कभी पूछते हैं। पावलो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, अपने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बता क्या किया उसने, दो हर ना मतलब ऐसा 12 बजे के टाइम पे डेली वो बेल बजाता था, उसको खाना देता था, अच्छा एक हाँ मिनट बता बताया। ऐसा दो उसने 30 दिन तक किया, फिर 31st डे पे क्या किया उसने, नहीं गया उसने बेल बजाया और खाना नहीं दिया, बट कुत्ते लेकिन का सेलिवेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वाह कुत्ते को ट्रिगर था कि जब बेल बजेगा मुझे खाना मिलेगा, तो अपने आप बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, एक और है दैट मुझे इज कॉल्ड एज कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी मैंने ऐसे चीज को ट्रेन कर दिया, ये कंडीशन को रिफ्लेक्स करते हैं, और यही हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में भी यूज करते हैं। यू गिव देम एक्शन एंड देन यू गिव देम रिवॉर्ड, स्पेशली पेट्स को या छोटे बेबीज को भी हम लोग कुछ काम करने बोलते हैं, फिर उसको रिवॉर्ड दो तो उसको लगता है हाँ मैं ये करेगा तो मेरे को ही मिलेगा। मिलेगा। ओके हाँ बोलो। हाँ एक साइंटिस्ट था उसने ना चूहे को पानी में डाला तो वो 15 मिनट तक ट्राई किया बचने का फिर वो मर गया। फिर उसने एक और चूहा लिया उसको पानी में डाला ग्रिफिथ था क्या ये? पता नहीं सुनो तो फिर उसने क्या किया पानी में डाला और उसको फिर बाहर निकाल दिया 15 मिनट बाद उसको बाहर निकाल दिया मरने नहीं दिया उस टाइम पर। फिर उसने जब अगली बार डाला उसको वो चूहा कितने मिनट से सर्वाइव किया रहेगा 5 मिनट
एक और एक्सपेरिमेंट किया था मंकीज का, क्या सर वो लोग सीडी उसको नीचे रखते हैं, सीडी को चढ़ता है तो ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। हाँ कॉटन पिक करवाते हैं। नहीं कॉटन वाला नहीं है ये, कौन सा कॉटन वाला? तो उस पर ठंडा पानी आता है वो सबके ऊपर आता है। एक टैंक में बंदर रख दे और सीढ़ी रखा था, जैसे ही बंदर चढ़ने जाता था उन लोग ठंडा पानी डाल देते बाकी सब बंदर पे, फिर कोई चढ़ने गया फिर जब ठंडा पानी डाल दिया, जैसे ही कोई चढ़ने जाता था ना बाकी बंदर उसको मारते थे। फिर लोगों ने क्या किया, एक बंदर निकाल के नया बंदर रखा, तो नया बंदर चढ़ने का ट्राई किया उसको भी पीटने लगे लोग। ऐसे करके लोगों ने धीरे धीरे सारे बंदर को रिप्लेस कर दिया सारे नए बंदर से। अब नए बंदर को नहीं मानता कि ऊपर चढ़ने पर ठंडा पानी डालते और उसको मार रहे, उनको लगता कि ऊपर चढ़ तो मारना ही है कूद, तो कोई भी लोग मारना शुरू कर देते थे। सिमिलरली कि हम कौन सा चीज क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, बस करे जा रहे हैं। वो पहले किया था तो कोई किसको कूटा गया था, ठीक है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे कॉटन वाला? क्या था बोलो ना। अरे अरे जैसा रेसिस जो बोलो ना, कौन नहीं बोलो क्या था क्या, मेरे को नींद नहीं आ रहा मुझे। चलो सिंपल एक पैरा सिंपल एक रीड करो, क्या है पढ़ना रीड कर। प्राइवेटली रीड करो, प्राइवेट हार्ट बीट बढ़ेगा सिंपैथेटिक में, हार्ट बीट बढ़ेगा मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो एट्रियल बीपी आल्सो इंक्रीजेस। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ब्लड वेसल क्या हो रहा है, कॉन्स्टिक की रिलैक्स, ब्लड क्या बोल रहे हो अपने ब्लड वेसल कॉन्स्टिक करेगा कि डायलेट करेगा, कॉन्स्टिक यस कॉन्ट्रैक्ट। प्यूपिल ऑफ आई मतलब हाँ आंखों की पुतलियां, डायलेट करेगा मतलब बढ़ेगा, बड़ा होता था बड़ा ही होगा, बड़ा हो रहा है मतलब वैसा ही बड़ा होता है। अरे मैं देख रहा आंखों की पुतलियां मतलब बच्चा वो वाला पार्ट जो लाइट को अंदर लेता है। हाँ पता है वो इतना बड़ा होता है, बड़ा होता है लोग अंदर से, बहुत ज्यादा नहीं बट बड़ा होता है, हो सकता है उन लोगों को कम दिख रहा होगा तो उनके बॉडी ने ज्यादा लाइट लेने के लिए खोल के रखा है। वो चीनियों का होता है ना, चीनी का कैसा है मतलब मुझे ज्यादा विजन देखना है। ओके ये कब होता है, जब हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, इसलिए जब भी तुम्हारे पीछे कुत्ता उत्ता भागा है तुमको हर एक सीन याद होगा कि क्या क्या हुआ था, कि जब तुम भाग रहे तब एक पत्थर आया, फिर मैंने जंप मारा था किसी जैसा, फिर ऑफ बैलेंस हुआ बैक ठीक किया, फिर वापस भागा, ठीक है सब चीज याद है बिकॉज अपना प्यूपिल खुला, अपने को हर एक चीज याद है, उनको हर एक नुक्स एंड कॉर्नर याद है। या जब भी तुम्हारा मैटर हुआ है, कभी तुमने मार खाया मारा है किसी को, राइट तुमको पूरा सीन याद होगा, कौन कहाँ पर खाया था, यहाँ पर ये था यहाँ पर वो था, ये खाया कि मारा है, ऊपर से मारा ज्यादा है, किसको मारा है, करण मारा होगा, कौन करण? अरे वैसा घर घर पे नहीं मारा, मैं बाहर पब्लिक एक बिल्डिंग है, तीन चार लोग मारा, लेकिन एक को ना इतना गंदा हुआ था, मेरी साइकिल खड़ी है और उसको उठा साइकिल पे फेंक दिया था तूने, बट फेंका क्यों उसको? रीजन जब भी हम लोग नीचे तो थोड़ा मस्ती कर रहा, पहले मार खाता था, उसके बाद उस दिन मेरा और दिमाग खराब हुआ, आया बस चल गया क्लब हाउस से, उसको निकाला पहले क्लब हाउस में घुस के मार, फिर निकाल के नीचे मारा उसकी मम्मी, फिर मम्मी को भी मार दी, मम्मी के सामने फेंक दिया उसको, फिर उसकी मम्मी क्या की, अरे हाथ डाटा उसका और लात मारा उसको, मम्मी को नहीं मम्मी, फिर इवेंचुअली क्या हुआ, क्या कर सकता था, डिफेंस चिंगड़ी 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 बोला, तुमको बैक रोड में बहुत चलता है, हर रोड पे चलता है, बैक रोड यानी कि नया लगे में बहुत चलता है, टिकटॉक क्या रोड पे बहुत चलता है, उसको भी बोलते हैं। हाँ तो उसकी मम्मी ने फिर इवेंचुअली कुछ किया नहीं उसको लेके चिंगड़ी को, मेरे घर पे ले गए, फिर तेरे घर पे क्या हुआ ये मुझे जानना है, पापा को पता है, पापा मम्मी को, पापा बोलने के अपनी करेगा, सॉरी सॉरी बोला है, बोला ऐसा ऐसा किया, फिर कुछ बोले नहीं, बोले बड़ा अच्छा हो मारा ऐसा बता दो, कभी ऐसा हो कि तुमने मार खाया है, मेरा तो सुनो मजा आएगा,
मैं एक बार मार खाया, एक बार मार खाया तो मार पड़ी, हाँ एक बार नहीं मारा तो नहीं मार, एक बार मार मारा तो मार पड़ी, ऐसा होता है इन जनरल, हम जो करते हैं वो नहीं एक करना बार बताया नहीं तो मार पड़ी, एक बार बताया तो मार पड़ी। ऐसा ऐसा आपको, आप कोई मार खा के आए हो तो किसने आपको, नहीं मैंने मूवी में देखा है कि एक बच्चा मार खा गया तो बाप बोलता है मार खा के बाद वो मार के आना चाहिए था, तो सब मोटिवेट करते थे मार के आते छुट्टी अरे पर। मेरे और उसके पापा वही है, मोटिवेट नहीं करते, उल्टा और मारेंगे पहले, मारते हो तो भी मारेंगे, इंजन पापा को बस और मारना है कि एंड कुछ भी कर क्या, यानी भी होता है। सबका होता है। एक बच्चा है आदित्य तिवारी, उसका झगड़ा क्यों नहीं होता है, सिर्फ तुम दोनों का ही खेल होता कौन है। है आदित्य तिवारी? अरे हम लोग बड़े ऐसे का बेटा है, हम लोग साथ पढ़ता है, लेकिन घर हाँ से निकलता नहीं था जल्दी, तो तो उसका मैटर थोड़ा नहीं होता होगा नहीं, सिंपल। हाँ हम लोग का हो जाता तो हम लोग, तुम लोग का एक तो उसका नहीं होता है, क्लासेस हम लोग जाते वो जाता नहीं, उसको हम लोग नहीं तुम्हारी जिंदगी में मकसद ये होगा कि उसका झगड़ा कराओ, रेफरेंस सर। बन लो बेटा एक वो बार पागल दुआ, है, वो एक पागल बार है। सुनो, एक लेकिन बार तुमको दुआ कॉन्फिडेंस कुछ करो नहीं, बट तो मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ मालूम है, जब भी अगर तुमने मार याद खाया ना नहीं, तुमको पूरा सिचुएशन याद रहेगा, मुझे याद कब क्या हुआ था नहीं सब है। कुछ याद रहेगा और सर हमेशा याद रहेगा। एक बार सुनो, मैं रोज मार खाता हूँ, रुचिका कहाँ से याद रखूंगा। वैसा नहीं रहे, घर वालों से मार खाना अलग होता है, तुमने किसी बाहर के पर्सन से मार खाया जब तुमको एक्चुअली डर लग रहा है, एक दिन होता घर फ्रेंड, वालों से जो तुम मार कर रहे हो दैट फियर इज नॉट फियर ऑफ एग्जिस्टेंस, यस इवेंचुअली तेरे को पता है घर पे तो लेंगे घर पे तो है ना, इधर ही मारेंगे रहना है, इनके जिनके साथ मार खाया है उनके सानिध्य में ही रहना अपने को, ठीक है। बट ऐसे बाहर कभी मार खाया पब्लिकली, अब जैसे अब वो कौन था ये जिसको पटक के मारा है तुमने, उसको अब उसको पूछना पड़ेगा उसको कैसा फील हो रहा था जब तो उसको मार, पटका अरे गया था घर पे साइकिलों रोया पे, है उसको, तीन वो चार भी बार तो रोया बोला मारा, था उनका बच्चा है उससे बहुत छोटा, लिटरली बहुत छोटा, बच्चे ने नौवीं को सिर्फ उसको घर फिर के भी मुंह सर पे पे टेक टेक मार के मारा। मारा उसको, आगे बढ़ते हैं, मार खा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी के डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनल का मूवमेंट, ये रुक जाता है बिकॉज जब भी हम लोग इमरजेंट सिचुएशन में तभी डाइजेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तभी बॉडी को बाकी सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन डाइजेशन, यस ओके। सर। स्टमक और इंटेस्टाइन में पेरिस्टेल्सिस रुक जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्या होगा मेरा रिलैक्स, आंसर अब इज यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है नहीं, मतलब क्या होगा, मनी उठाने सुसु होगा कि नहीं होगा, 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 इसलिए जब डर लगता है इसके तभी हो सकता है, ओके। हमारे लिए ट्यूशन में एक सर, हमारे सर से बहुत मारते थे, सबको डर बताया लगता था, ठीक है, हर हफ्ते कोई ना कोई मूड देता था ठीक है, उसे रॉड से मारते थे, रोड, अच्छा बिना मतलब क्या नहीं मारते थे, कुछ अगर किया है तो ऐसे मारते थे, रॉड के अंदर वो डांडिया डालते थे, रॉड ऐसा एम्प्टी रॉड होता ना ऐसा वाला, अरे उसके अंदर डांडिया डालते थे सो देट वो मुड़े ना बार बार, और वो उनका फटका था, मतलब उनका ऐसा स्कीम था, एक रॉन्ग हो तो दो मारते थे हाथ पे, और पांच या छह से ज्यादा रॉन्ग हो तो फिर पैर वैर पे भी पड़ सकती थी, झूठ बोला बहुत टाइम तक काम वाम नहीं किया, जैसा भी बोला था ना मंडे सबमिट करोगे अगर नहीं हुआ तो फिर फ्री स्टाइल होते, फ्री स्टाइल में ऐसे कहीं पे भी हाथ पाथ पकड़ के तोड़ देते, हम लोग जब फर्स्ट होता ना ठीक कहीं है, पे तो इनको बहुत बार ऐसा होता कि बच्चे मुंह देते थे वहां पर, सर कैंडल वैक्स ली हो हाथों पे, मेरे पूरे बॉडी पे कैंडल वैक्स आती थी, हाँ हाँ ये फर्स्ट नहीं है, ये टीचर मिस है या इंडिया का टैलेंट है क्या ही? पैसा, जब ट्यूशन जाते थे तू गलत ट्यूशन जा रहा है टीचर ये के लायक ही, टीचर फालतू में बोलती थी टीचर ऐसा कर रही है नहीं, गरम, हाँ बट आर्यन आर्यन के लिए कर रही है तो सही भी है, नहीं, क्या हुआ, एक मिनट मेरे को बताए रोस्ट क्यों ड्रामा कर रही चेक है तेरे को, कर रही लाइक थी लिटरली रोस्ट कर रही है, क्या मेटाफोरिकली भी नहीं रॉन्ग करते थे तो क्या मारते थे ना आप लोग के टाइम पे, हम लोग कैंडल वैक्स, इसको रॉन्ग होता उसको कुछ करते नहीं, मेरा रॉन्ग होता मैं मेरे पैरा को अच्छा कैंडल था, वैक्स लगाते थे, इसके मैं भी फ्रेंड थी ना इसके लिए, नहीं मैं पैरा अच्छा था आई तो बहुत दर्द से है भाई, सर अभी भी ऑल इन में, बट ये कुछ ज्यादा एक्सीम नहीं है ये, हाँ मैं तो होता ठीक है, अच्छा किया, वाह अरे अच्छा वही है ना आसाराम बाबू वाला, फोन बज रहा है किसी का, मेरा ही बज रहा है, हाँ कोई बात नहीं मेरी सोचो, मम्मी का कॉल आ रहा है, लेट मी पिक अप, हेलो कुछ जरूरी काम है, कॉल जरूर कर पैरासिम्पेथेटिक वाला, हाँ इसमें फर्क मतलब आराम फर्क से क्या है मैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक बॉडी को एक्टिवेट करेगा जरूरी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, पैरासिंपैथेटिक बॉडी को फिर से रिलैक्स करेगा। हेलो हाँ निकेत हेलो, कॉल किया था, हाँ बोर्ड का बोर्ड हाँ का हाँ मॉर्निंग में ना, वो लेके जाओ ना, हेलो आराम से हाँ थर्सडे को सुनो, नहीं, थर्सडे को हाँ तो ये जो अभी है ना उसको 26 जनवरी टट्टे है के ना, साथ दे देना वापस, पूरा मतलब बाहर में रखा है पॉट्स को, हॉल में और अंदर में स्टडी टेबल को डब्बा तो रखा है उसका, तो स्टडी नेक्स्ट वीक से नहीं टेबल यानी में कि उसको तो डब्बा ऑलरेडी रखा है, रखा है मैंने बाहर तो। पॉट्स का डब्बा रखा है, तो वहाँ दे देना उसको, बोल रहे हैं
लेक्चर में होंगी लेकिन थोड़ा पहले बोलते तो मैं दे देता, अभी मैंने दिया उधर दिया उधर रिप्लेस करके मेरे ओके ओके नहीं वारंटी के साथ वही वारंटी रहेगी लेकिन अरे सर जो आप आया है ना आप बोले से लिया था क्या? अरे तो आपने लिया था ना 131 है कौन सा था आपका वही अच्छी एयरपोर्ट कौन सा था? हाँ तोड़ दिया इसने फॉर्चूनर क्लास में सर गिर गया था ना उसको मैंने क्या किया घर पे जाया घर पे जो लगा नहीं था कभी उससे चिपका दिया और दे दिया रिटर्न यहाँ से आया लेने बोला लेके जाओ उसको बढ़िया और फिर एक वन बहुत हाँ जीरो है पता नहीं जीरो ही है चलो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बोल क्या है जीरो है इराद कर इराद कर चाहिए एक्सटो रिसेप्टर्स चल तो अच्छा है एक्सटर्नल से अच्छा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्लियर है सिंपैथेटिक बॉडी को एक्टिवेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को रिलैक्स करेगा ठीक है वापस नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएगा एक्सटो रिसेप्टर्स बॉडी के बाहर से जो रिसीव करते हैं फोनो रिसेप्टर्स जो साउंड को रिसीव करेगा स्टैटो रिसेप्टर इंटरनल ईयर बॉडी के बैलेंस को जो रिसीव करेगा यस सर ठीक है बॉडी का इक्विलिब्रियम या हेड का पोजीशन मेंटेन करता है हेड का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जब हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं है सपोज हम लोग चक्कर खा रहे हैं तभी हेड का पोजीशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग मालूम पता चलेगा कि हमको किस तरीके का चक्कर आएगा ठीक है जब हम ईयर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे सर ये रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स हाँ पढ़ना इम्पोर्टेंट है नॉट एक्स्ट्रा रियली है ना नहीं नहीं भाई मत पढ़ो फोटो ओके रिसेप्टर्स लाइट के रिसेप्टर्स है आईज पे होंगे थर्मो रिसेप्टर स्किन पे जो टेम्परेचर को रिसेप्ट कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं मैकेनो रिसेप्टर स्किन पे होंगे जो टच पेन डीप प्रेशर को फील कर सकते हैं प्रेशर अपना स्किन कैसे फील कर सकता है ये अपने को रियलाइज नहीं होता जब तक हम लोग पानी में नहीं जाते अभी हाथ के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है बट फील नहीं हो रहा है जब आप पानी में जाओगे तब तो आपको पानी के अंदर का प्रेशर फील होगा इससे पानी के अंदर कोई भी चीज एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट है अगर तुमको फील करना है कि वाटर हाँ का एक प्रेशर वो कितना भी ज्यादा है है हाँ पानी के अंदर से भाग के दिखाओ नहीं बात हाँ बहुत पैर डिफिकल्ट स्लिप इनफैक्ट पानी पैर स्लिप नहीं होगा पानी के अंदर नहीं होता पानी के होगा बाहर होगा पैर स्लिप हमेशा नहीं हाँ काफी पीरियड चलता है हाँ जब इससे तो दौड़ो और रनिंग करो मैंने ट्राई किया है मतलब हम लोग ऐसे कूदते थे पैर डाल हाँ कर वही कूदोगे तुम एक बंदा है वो डांस करता है वो बंदा हाइड्रोमैन हाइड्रो हाइड्रो दो है हाँ हाइड्रो को जानता ठीक है डांस ओके तो कर सकता बट है दोनों वो लोग तो ट्रेन किए इतना वो लोग 8-8 12-12 घंटा पूल में ही रहता है वो ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ वैसे अभी पूल में नेक्स्ट टाइम रहता जब है ये ना तुम अच्छा जाओगे स्विमिंग पूल में ठीक है पकड़ा पकड़ी खेलना पानी के अंदर जो मजा आएगा देखो ये बहुत बार खेले वेरी गुड लेकिन स्विमिंग करके भाग नहीं स्विमिंग करके नहीं भाग के के भी खेलो जो स्विमिंग तो क्या सबको थोड़ी आता है स्विमिंग आता कितने लोग को आता है एक बोलो फिशर सब आता है जो बोलो तीनों वैसे का क्या हाँ अच्छे तो फिर नहीं आता या तो आता है या तो नहीं आता अच्छे से क्या और होता फास्ट बहुत कम जो बोलो वैसे है ऐसे तो बोलो मेरे को भी आता है एक्टिंग स्विमिंग का वाटर पार्क में सिर्फ उतना है तो तैरना है फिर तो नीचे पैर रख देने का उसमें क्या हो गया नहीं नहीं लोगों बट ने नहीं बताया प्रॉपर प्रॉपर ऐसा तुमको पूरा भी आता है किसी ने हरीश नहीं सिखाया तुमको भी आता है ठीक है मतलब सर अगर अपन गए सीखना कहीं स्टार्ट डूबे किया तो था तुम लोग एक दोनों दूसरे बचा को सकते बचा हो तो ये आपका डायलॉग यही है दोनों डूब गए तो नहीं डूबे इनको हम लोग मैं तो एक्टिंग डूब करेंगे सर तो सीखना स्टार्ट कितना किया था बचपन में डूब सर सकता है ये तो वैक्यूम भर उसके बाद सकता है कंटिन्यू नहीं हो नहीं जो बेबी पूल होता था मैं वहां पे रहना बड़े बोलते थे बट मेरे पुल भाई जहाँ पे रहते थे ना वो में बड़े उधर लेकिन जाना था मैं चली गई और मेरा हाइट इतना भी मतलब छोटा था वो अंदर डूब गई थी हाँ मैं भी डूबा था मैं एकदम से अच्छा आखिरी सांस से बची एकदम गई सोच रही सर क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मैं अंदर हूँ मतलब मेरा भाई भी स्विमिंग करने में बची थी अरे रे उनको भी नहीं पता क्योंकि बचाया उनसे किसने छुप के गई थी ना मैं वो मम्मी हाँ को कहाँ अलाउ करते माँ और मैं बाप अंदर मैं कितना वो कर रही हूँ तो फिर एकदम से फिर आंखें बंद निकाला करी कभी फिर पता नहीं कि वो जो भाई लाइफ गार्ड के हाँ थे वो उन्होंने फिर रस्सी फेंका और फिर वो पकड़ के अचानक से रस्सी मेरे को लगा सांप आ गया क्योंकि सर तभी कुछ नहीं समझ रहा था मुझे फिर मैं वो पकड़ शेट के आई और मेरे को फिर बहुत ब्रीदिंग इशू बहुत हो रहा था तो फिर ऐसा थोड़ा मुझे बिठा दिया भाई मुझे ज्यादा गुस्से में देख रहा है कब आई थी अंदर मेरे को पता ही नहीं चला मैं बहुत इसके छोटी थी लिए सर मैं बहुत ज्यादा छोटी थी सीधा उसके बाद मेरा स्विमिंग सीधा सीखना पैदा होते कंटिन्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ा छोटा बंद पैदा करना ही चाहिए जिस होते हिसाब से आपकी हरकतें थी बंद ही करना चाहिए ये थोड़ा काफी स्कैरी है रे इन जनरल वाटर में कभी हम लोग लिटरली सेकेंड्स का खेल है थोड़ा क्या भी तुम पानी आग सेकेंड वगैरह से हाँ नहीं खेलना चाहिए थोड़ा भी सेकेंड यहाँ का वहां हुआ तुम निकल सकते हो क्या मैं पानी में मजा सांस आता है कितने लेकिन पानी में 2 मिनट इतना सांस रोका हूँ सांस मैं रोकना अलग होता है डूबना अलग जब हम लोग पैनिक करते तो अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तभी मतलब और
टाइम कम चाहिए। था तो दादा जी के उसके तो उधर मतलब हम लोग गंगा जी में नहा रहे थे, बोट पे मतलब पैर रख के नहाना पड़ता है, मेरा पैर ही छटके में गिरने वाला था, मैं तो कहते बोट पकड़ लिया ऊपर, गिरा अरे डूबता भी नहीं तो भी मैं लंग्स मेरा में और भाई बढ़िया होता मैं फर्स्ट में था तभी हम लोग कश्मीर गए थे, वहां कश्मीर। पर डल लेक है। हाँ 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 वहां पर ना एक ऐसा स्पोर्ट था कि ऐसा मोटर बोट होता है, मोटर बोट के पीछे तुम हाँ खड़े रहते हो हाँ ऐसे, और तुम एक्चुअली टायर पे खड़े हो हाँ और ऐसे चलता है, मस्त फास्ट चलता है, इतना हाँ भी नहीं चलता, बट तुम ऐसे मस्त खड़े रहते हो, और काफी ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट था तभी पे। अभी आई डोंट थिंक सो अभी तुम करते हैं, अभी देखते भी भी हो, करते होता हैं, लेकिन उस पे होगा, करते हैं बट अभी थोड़ा सा और एडवांस और सेफ हो गया। तभी तो बोट सिर्फ पे, रस्सी था जिसको पकड़ना था, अभी भी मैं तो रस्सी फर्स्ट में था तो होता मेरे को तो अलाउड ही नहीं था। है। मेरा भाई का तो अभी फोर्थ में, और क्या मेरे भाई का हाइट बचपन से काफी अच्छा है, उसको बोला कि इसका हाइट है तो इसको ट्राई करने दो ना, और मेरे पापा फुल ठग लाए, हाँ करने दो बिंदास करो, हे मम्मी और हिम्मत पागल है, कुछ हो जाएगा तो है, कुछ नहीं होगा हम लोग है ना। जैसे ही बोट स्टार्ट हुआ ना, इनिशियल जर्क आता है ना, हाँ उसमें मेरे भाई का हाथ छूट गया, और अच्छा मेरा भाई लिटरली ऑल्दो ना उसपे क्या बोलते हैं टायर, मतलब वो ट्यूब जैसा टायर होता है ना प्लास्टिक का हाँ ऑरेंज कलर का, उसके ऊपर पैर बांधा है हम लोग ने, बट मेरा भाई ऐसा उल्टा है उल्टा तो राइट डूब नाउ पूरा एकदम 180 डिग्री है, मेरा भाई का पूरा बॉडी गला सब नीचे है और ये रहा टायर ऊपर है पैर के ऊपर, तुम समझ रहे है। हो, और बोट आगे चल दिया है, अरे और हम लोग देख रहे तो चिल्ला रहे, वो फिर तुरंत आया नीचे खींचा, और मेरा भाई ऐसा पूरा अरे ऐसा ऐसा नाक में से मुंह में से पानी आ रहा है, और कश्मीर में ठंडी मतलब एकदम ऐसे एकदम हाँ एकदम कड़क ठंडी, ऐसा तो ऐसा ठंडी ऐसा बोन्स पे जा रहे, बोन्स वाइब्रेट करे इतना ठंडी उधर, ठीक है। मेरा और सीधी सी बात, हम लोग घूमने भाई निकले हैं ऐसा, होटल से बहुत दूर है हम लोग, डरे कपड़े भी नहीं है, से और इतना भीगा कि अंदर 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 बाहर सब कवर्ड, स्वेटर वेटर सब भीग गए पापा, ठीक है, उसका पूरा ऐसा अनपैक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वहां से फिर अनबॉक्स हम लोग गए तुरंत अपने बोर्ड पे गए, वहां से ऐसा थोड़ा कपड़ा वपड़ा लिया और उसको पहनाया, और उसको गुस्से क्या हुआ क्या, तो मेरे को अंदर मच्छी वच्छी दिख रहा है, और हिम्मत इतना अभी चेंज वेंज कर लिया उसको, ऐसा मस्त बोला कि अभी वो कोई नहीं कर भी रहे हो वो सब, ठीक है। फिर ऐसा वापस जा रहे हैं वहां पर जो हम लोग का पॉइंट था, वहां पर कंटिन्यू करने के लिए, फिर भाई पूछा पापा को, पापा अभी वापस ट्राई करें, बोले देख मारो नहीं देख, मुश्किल से जिंदा हुआ है तू। मिरेकल 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 पापा भी लाइक मेरा है, मिरेकल और बच्चा पापा मेरा का हो ये गया, अभी एक अंकल का हो गया, एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रुप था हम लोग का, दो तीन रिटर्न अंकल सर लोग का हो गया, फिर भाई गया था, मेरे भाई का कोई किया ही नहीं कंटिन्यू, इसको नहीं कर तभी रहा बीजी था है, ऐसा तो रिटर्न ठग लगे तब पापा कुछ ज्यादा ही ठग लाइफ को। ने बोला इसके धंधा बंद कर चलो धंधा क्या, बट द उसने क्या। फियर की कुछ वापस हो गया तो हाँ फिर कोई किया ही नहीं हो। मच्छी दिख खीमोरिसेप्टर्स, गशेटर रिसेप्टर जो रहा सेंस ऑफ टेस्ट आएगा, ऑल्फैक्ट्री जो सेंस ऑफ स्मेल आएगा, सेंस ऑफ टेस्ट में स्वीट आएगा, साल्ट सॉल्टी आएगा, सार आएगा, बिटर आएगा, उमामी आएगा। व्हाट इज उमामी? उमामी यानी कि पांचों का साथ में पांचों का मिक्सचर। यस, उमामी फ्लेवर्स यूजुअली तुम्हारे प्रिजर्वेटिव वाले में होता है, जो मैगी तुम्हारा एमएसजी दैट इज उमामी, केचप इज उमामी, सोया सॉस इज उमामी, ठीक है, मसाला उमामी प्रिजर्वेटिव है ना उसमें, पान पान, यस पान भी उमामी है। बहुत सारी उमामी चीजें ऐसी होती है जिनका खुद दही का टेस्ट अकेला नहीं पसंद आएगा, पर उसको तुम किसी चीज के साथ खाओगे तो उसका टेस्ट एलिवेट हो केचप जाएगा। सोया सॉस हो गया, कैचअप, सोया सॉस खुद खाए क्या चम्मच भर के, जैम बकवास, बट जैसे तो उसको फ्राइड राइस में डाल दिया, हाँ फ्राइड राइस का टेस्ट 10x हो जाएगा। टेनेक्स ओके, विनेगर विनेगर एंटरो रिसेप्टर्स जो अंदर की तरफ से आता है, अपन उसमें एंटेरो है जो इंटरनल ऑर्गन से आएगा, प्रोप्रियो है जो जॉइंट्स मसल टेंडन से आएगा, जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है ना वो मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स टेंडन्स, और ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं मसल्स पे, तो जब भी अपने को पेन होता है ना, पेन होता है पता है, कभी कभी अपने को बोलते हैं कि मेरे को अंदर से दुख रहा है, एक होता है कि तेरे को बाहर से मार लगा तेरे को दुख रहा है, और एक होता है जब भी कुछ अंदर इंटरनल डैमेज है, हाँ जो स्टमक में ऐसा होता है कि अरे अंदर से दुख रहा है मेरे को, ठीक है, मतलब कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, दैट अंदर से दुख रहा हो कैसा होना पड़ेगा भाई, प्रोप्रियो तो अंदर से रिसेप्टर्स। उठा रहे हैं सर होता है कि कभी कभी दर्द में दर्द हुआ है कि हुआ हो गया, क्योंकि अब साथ में थे ना ऐसा तो दिल में दर्द हो रहा है तो हो कभी सकता है कि खांसते चेस्ट हुए नहीं में, दर्द चेस्ट में हो सकता है पेन, बट दिल के अंदर तो दर्द नहीं, नहीं, दिल नहीं अब इधर ही कहीं पता पे नहीं चल रहा है कि क्या। हाँ पॉसिबल है, कभी कभी अपने को लगता भी है, जैसे कुछ लोगों को एक इश्यू होता है कि जब भी हम लोग कोई एनाटॉमिकल दर्द बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उनको वो पार्ट में होता पेन है होता है,
जैसे अगर मैं हार्ट के बारे में बात करूँ तो कुछ लोगों को हार्ट के बारे में सोच के हार्ट में ऐसा लगेगा, हार्ट में दुख रहा है मेरे को, जॉइंट के बारे में बात करूंगा जॉइंट में दुख रहा है, ऐसा होता है। उन लोग बात ऐसे करते हैं कि तुमको लगेगा अरे इसका दवाई से तो ठीक ही हो जाएगा, वो डिफरेंट है थोड़ा, ये थोड़ा उन लोग साइंस ज्यादा आता है। हाँ अभी तो कुछ चल रहा है ना उसका, अरे वो पता अच्छा बंदा है यार वो, क्या चल रहा है उसका बागेश्वर धाम का क्या चल रहा है तो भी उसको बता रहे हैं फिर भी पॉलिटिकल रीजन बस प्रोडिक्स। बैरोरिसेप्टर्स ये कंसीडर किए जाते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑफ वॉल्स ऑफ एट्रिया वेना कैवा एओर्टिक आर्च कैरोटिड साइनसेस, ब्लड प्रेशर में सेंस को चेंज करेगा और ये होमोस्टेसिस मेंटेन करेगा, अगर प्रेशर कम है तो कॉन्स्ट्रिक्शन लाएगा, प्रेशर ज्यादा है तो डायलेशन लाएगा। इजी यस यस। अब आते हैं ह्यूमन आई पे, ये चैप्टर में भी ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर दो ही टॉपिक बाकी है, ठीक है उसके बाद ये चैप्टर डन। ईयर अच्छा अटेंशन मतलब है ह्यूमन आई ह्यूमन ईयर बोर्ड वालो, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, मुझे मुझसे ड्राइंग की नहीं जाती, ठीक है डायग्राम मस्त से प्रैक्टिस करके जाना, यस बहुत काम आएगा ह्यूमन आएगा सर, देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया सर, ये बनाया जो आज तुमने बनाया बट फोन वाले जो और ये और काफी सिमिलर है, नहीं मैंने कुछ गंदे गंदे भी बनाए हैं, बट तू एग्जाम में लेके जाएगा जुबिया को सबसे ज्यादा तू रहेगा राइटर, हाँ इतना नहीं लगा उसका हाथ नहीं सर, फ्रैक्चर करवा के लेके जाऊंगा रिपोर्ट के साथ, करो करो यही ऐसे तो करना है, यही तो सीखने आए हो दो साल तो आपने स्लैप कॉन्टेस्ट देखा है नहीं? हाँ अरे चाहा यार उसका पूरा मैंने एक देखा था वीडियो उसमें ना उसका पूरा इतना जोर से मारता है उसका पूरा ये टेढ़ा हो जाता है, ये मुंडी टेढ़ा हो जाता है, बस ये पार्ट पूरा फूक गया, यहाँ पर पूरा ब्लीडिंग व्लीडिंग हो रहा है, पूरा सूज गया था वो, क्या क्या स्लैप कॉन्टेस्ट ऐसा हाथ में ऐसा पाउडर लगाते हैं मिलियंस और बिलियंस ये अच्छा से मैं आपको मार रहा हूँ आप मुझे मार रहे नहीं नहीं एक एक साथ ऐसे जो नॉकआउट हो गया वो हार गया, मस्त होता है लेकिन मजा और सिर्फ नॉकआउट है अपनी जगह से हिल गया लेकिन बहुत बहुत ज्यादा मुझे बहुत वायलेंट लगा हो, मतलब सर उसमें पैसे देता है पैसे मिलेंगे कुछ भी करेगा सर सभी तो करते हैं मारा मारी तो नहीं कर रहे मारा मारी तो नहीं कर रहे बट सब थोड़ी कर रहे, तू है WWE में मैं हूँ अपने घर वाले है अभी का एक मुक्के में गिर गया स्लैप कॉन्टेस्ट यूएसए में बहुत फेमस है, यूएसए में ही फेमस है ए वो आ के बहुत नवरे लोग रे कुछ भी देखते यार सही में इतना क्या फ्री वो एक ना शो आता था इंस्टीट्यूट पे पॉन स्टार्स करके, ठीक है उस पे वो PAWN PORN नहीं यार उसमें लास्ट वेगास में उसका शॉप था, लोग घर का बर्तन वर्तन लेके आ रहे बेचने को भाई जुआ में खेलने के लिए, क्या भंगार टाइप नहीं बाबा एंटीक चीज है वो भी आ रहा ना वो तलवार बनाने वाला रियलिटी शो इतना मस्त बनाते ना कुछ खींचा था नहीं डायरेक्ट ऐसा हाँ। चार लोग है चार से तीन तीन से दो से एक फाइनल वो नहीं वो आता था अरे वो आता ना कृष्णा वाला शो क्या नाम था वो भी अच्छा था हर सीजन देखा है जितना भी रिपीट रिपीट हुआ है और उसमें ना लिटरली एक बंदा अपना ये जैसा संदूक है ना पीछे वैसा टाइप का घर का बर्तन लेके आ रहा है, ये मेरे नानी माँ का सिल्वर ज्वेलरी है मैं इसे बेचना चाहता हूँ कितना $200 ठीक है
मैं उसको जुआ में ट्राई करूंगा, मिले तो ठीक है, वरना वैसे मुझे मेरी नानी ज्यादा पसंद थी नहीं। तो ये क्या कर रहा है? और वो उसको एक्सपर्ट को दिखाते होता है कि अरे बाप रे, ये तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना, $1200 कुछ तो है, तो उसका तो 6 6 टाइम प्रॉफिट हो गया। वो भाई $2 में खुश हो गया। फिर वो आता है उसमें ना, हम लोग दिखाते हैं, आता है वो 90 डेज के बाद, हाँ तो बोलता है कि 90 डेज के, और ऐसे कुछ 100 डेज का होता है, तो वो वापस बाई बैक कर लेता है कि चलो मेरे को मिल गया। तो उस दिन तो मैं नहीं जीता, बट पिछले ही हफ्ते मैं गया था वहां, मैं जीत गया। मैं सोचा कि ले लूँ, खरीद लूँ वापस, बढ़िया क्यों है। अभी नानी पसंद नहीं, उसको मालूम है ना कि वैल्यूएबल है। नानी का तो कुछ ना फेक दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरे गैराज में मेरे को मिला, मैं सोचा इसको बेच दे नहीं, दे। वहां पर गराज मतलब क्या, वहां पर ना गराज सेल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर सपोज मेरे पास घर है और ये घर किसी और का, तो उसने गराज में बिना कुछ सामान लिए निकल गया, निकल गया। हाँ और हाँ या मेरा जो बचा कुछ सामान है उसको मैं एज इट इज सेल कर दूंगा। वहां पर ये भी तो ऐसा क्लोज पैकेजिंग हाँ सेल्स हाँ भी हाँ होते अरे वो हैं, एक तो और बॉक्स आता में ना, चीजें रखते हैं और ऐसा रैंडमली रेट वो जो देते हैं। कंटेनर्स रखते थे, वो जो हाँ, कंटेनर्स बोलते थे, बहुत स्टोरेज बड़े वॉर्स स्टोरेज वॉर्स सब देखा है। मैंने देखा, बहुत फ्री टाइम अभी देखा, बहुत फ्री टाइम के लिए तो पता भाई है फ्री टाइम की बात नहीं है। डोरेमोन मस्त देखा लगता है, मतलब ये अलग टाइप का कंटेंट है जहां पर तुमको नहीं यू लर्न समथिंग न्यू दैट यू डोंट इवन नो कि एग्जिस्ट करता है सब कुछ। चलेगा नहीं, ये ब्रास है, गन मेटल है ये, है क्या, लेकिन वो ये इसमें वो रखते थे, घी रखते थे पुराने टाइम पे। वो एयर टाइट है कंटेनर, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला है। उठा एक मिनट, देख वेट देख उसका। ये बात ऊपर वाला हटा देना, ऊपर वाला, कुछ अलग है, थोड़ा वो अलग है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा जॉइन कर ये क्या है सर, हाँ, मार सकते हैं हम। इससे शेर मारा है, हाँ ऐसे वाला टाइप से। हाँ, आपने मारा था मैंने किसी नहीं मारा है ये, ऐसे टाइप के कंटेनर इससे नहीं, ऐसे टाइप के कंटेनर से, और लिटरली मर सकता है जिससे आपसे हैवी हो ये क्या है बताओ, ऐसे ही। ऐसे गिर जाएगा लेकिन ये बंद है अभी तो तो, इंसान मार सकते हैं, डेफिनेटली मर सकते, सिर पे मार। बहुत है भाई। और ये बोला ना एयरटाइट पे, देख कितना रिवेट से, देख अच्छा सही। कॉप बहुत पुराना है, दादी का है, मेरे पुराने टाइम पे ये ऐसा टाइप का चीज घर पे सर स्टोरिंग के लिए होता था, और इससे थोड़ा छोटा होता था बट इतना ही हैवी होता था, उस पे ऐसा ढक्कन नहीं होता था। वो लोग लेके जाते थे खेतों में पानी लोटा लेके। हाँ, लोटा लोटा उससे मेरी मम्मी का जो गांव है ना, उससे वहां के राजा ने शेर मारा था लोटे इससे। से हाँ, लोटे से, और ऐसा प्राइडली लेकर भी आया था वो, कि इसको मारा शेर मैंने। हाँ, हाँ वो कहा भी नहीं, शेर मार दिया। राजा लोग भी कितने जाते थे कितना तो पहले वॉशरूम का सिस्टम ही नहीं था, राजा हो या रंग हो सब लोग जाते थे। पागल है, अरे बहुत हैवी हो, लगेगा ये नीचे गिरेगा तो टाइल्स उठ जाएगा, उतना हैवी हो। नहीं गाइस हो गया ला, तेरे घर पे लेके जा फेंकता हूँ मैं। मेरे घर पे डंबल से बहुत बड़े वाले डंबल्स गिर गए, इसके मेरे को थोड़ी छोटा टाइल्स होता है। डंबल्स का पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बहुत अलग है। डंबल्स बनाए जाते सो दैट गिरे तो टूटे ना। सर ये क्या सर, शोके शोके नहीं लिए सर, उसमें वो उसका सिंदूर आयरन वगैरह वाला स्टोर है, कर सकते हैं, आयरन वाले हैं ऊपर जैसे ये खुलता है रही। ऊपर हाँ, देख से ये सब सर, मदिरा मदिरा बट वो मदिरा ऐसा नहीं है ना, चलते हैं ना लोग, बस इमेजिन घिसना। क्या क्या तंबाकू चलो, ह्यूमन आई पे आ जाओ। तंबाकू आईज आर लोकेटेड इन द स्कल ऑर्बिट्स, नियरली स्फेरिकल है, 3 लेयर्स है, होगा स्क्लेरा है, कोरोइड और रेटिना है। थोड़ा थोड़ा है, अभी रख दी, चलो बहुत अच्छा। इससे शेयर नहीं मारा वो सेट जैसा बनाया है, ठीक अलग अलग है, ये दोनों भी अलग अलग है, तीनों एक्चुअली चारों चीजें अलग अलग है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। है। म्यूजियम में रखी जा सकती है, म्यूजियम रख दो उधर, ही चाहिए। किसका प्लान था इधर रखने का, किस मम्मी। मम्मी ऐसा ऐसा काम की मम्मी ही कर सकती है, चलो, स्कल ऑर्बिट में मतलब लोकेटेड है, बहन 3 लेयर्स है आइस के, स्क्लेरा मेरे है, पास दिमाग ही कोरोइड और नहीं है। रेटिना है। ठीक है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, इधर क्यों कंजक्टिवा या कॉर्निया नहीं है, हाँ कंजक्टिवा कौन सा रोग होता है, आई इसमें होता है। कंजक्टिवा आई में कहा, कॉर्निया, कॉर्निया
कॉर्निया तो लेयर है, ठीक है चल समझाओ, पूरा कवर नहीं करता है। कंजक्टिवा क्या, व्हाट इज कंजक्टिवा? कंजक्टिवाइटिस कहाँ होता है? ये पिपिल, पिपिल। हाँ एग्जैक्टली बच्चा, ये आई का जो कवरिंग है, जो स्किन वाला पार्ट है, जो पिंकिश पार्ट है, जब हम आंख बंद करते हैं जो आईज के ऊपर स्किन का पार्ट आएगा ना, देख ये वाला पार्ट जहाँ पर आप आई शेडो लगाते हो, उसके पीछे वाला पार्ट, आई शेडो जो लगाते हो, हाँ ये वाला, ये जो पिंकिश पार्ट है कंजक्टिवा है। अब नहीं होता सर ये, इसमें हाँ बचपन में होता था ना, बचपन में भूत बनते थे ऐसे, अभी बचपन में ना, तो इसलिए कंजक्टिवा। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसमें सच, अब बचपन है ना तुम लोग का, बच्चे तो तुम लोग बड़े हो गए क्या? ही है ना, अब ये बोल के दिलासा दे, आइटिस मतलब कंजक्टिवाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। ये वो लेयर है जो आईज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो आईज रेड होता है डेफिनेटली, बिकॉज वो आईज को टच कर रहा है, और उसमें जब इन्फ्लेमेशन आता है हम उसको बोलते हैं कि आंख आया है, आंख ऑलरेडी है, ठीक है, आंख ऐसा नया प्रकट नहीं होता है, ये बस उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन है। प्लस ये फैलता कैसे मालूम है? देखने से नहीं फैलता है, ये टच से फैलता है। तो हम लोग देखते तो क्यों आंखों में ऐसा पेन नहीं आया, ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट लेयर है। हम बहुत ज्यादा उससे वो रहते हैं ना, मतलब जैसे कि अभी हम लोग किसी का मर्डर भी देखे तो भी हमारे आंखों में वो थोड़ा आता है, क्यों आंखों में क्यों आता है? क्योंकि वो ब्रेन कभी देखा है नहीं है नहीं वैसा, क्योंकि आंखों बताता हूँ आंखों को पता ही नहीं क्या होता। मैं बताता हूँ हमारी आईज बहुत सेंसिटिव है, क्यों सेंसिटिव है ये भी बताता हूँ। हमारे आंखों में है लेंस, लेंस हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, ऐसा अपने इम्यून सिस्टम को लगता है। लेंस के ऊपर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेंस इनफैक्ट ब्रीदिंग भी, लेंस इनफैक्ट ऑक्सीजन भी लेता है डायरेक्ट एटमोसफियर से। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, लेंस के ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए WBC नहीं आए हैं। तो लेंस मेरे बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस है, इसीलिए अगर आंखों में कभी भी चोट लगता है और अगर लेंस तक WBC पहुंच गए, तो हमारे बॉडी का WBC हमारे लेंस को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और हम लोग अंधे हो जाएंगे, इसलिए लॉस ऑफ विजन होता है। ये चीज ना हो इसे हमारे आईज के पास इन जनरल सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव मेजर होता है, हमारी आंखें हमेशा बंद हो जाती है कुछ भी होता है तो भी बंद हो जाएगी। प्लस जब भी कोई आंख किसी और के आंख के ऊपर कुछ हो रहा है तो भी हमारा आंख रिस्पॉन्स में लाइजोजाइम रिलीज कर देता है, तो वो टीयर्स या आंखों से पानी आना स्टार्ट होता है। क्लियर? यस। हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, क्यों? बिकॉज खुद आंखों के पास लेंस है जो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस जैसा एक्ट करता है। लाइजोजोम क्या है? इम्यूनिटी है? नहीं, वो एक एंजाइम है जो इम्यून सिस्टम रिलीज करता है, WBC रिलीज करता है। हाँ। तो आंख के पास भी वो WBC पहुंच रहे ना एक तरह से? नहीं, हम लोग कभी आंखों के पास लेंस के पास WBC नहीं, बाकी सब जगह पर है, बट ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन है कि लेंस अपने आएगा वहां तक आएगा चलेगा, ऐसा थोड़ी होता लेंस है। अंदर की तरफ लेंस एग्जैक्टली बाहर है, कॉर्निया के बाद तुरंत लेंस आता है। ओके, लेंस के ऊपर सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी तक तुम्हारा ब्लड वेसल है, लेंस के ऊपर नहीं। ओके हाँ रुपया बोलो। सर वो डायरी का शुगर से भी बोलते हैं कि अगर बहुत शुगर बढ़ जाती है तो विजन विजन में भी जाता है, बिकॉज ये जो ब्लड वेसल जो आंखों की तरफ जाते हैं वहां पर अगर थिक ब्लड है, वहां पर अगर शुगर डिपोजिशन है तो इजिली निकलता नहीं है, एक तो ब्लड वेसल बहुत पतला है, अगर वहां पर ब्लॉकेज हो गया ग्लाइकोमा की वजह से, इसकी वजह से विजन पूरा लॉस हो सकता है, इससे आंखों का नंबर नंबर चेंज होता है। इन जनरल डायबिटीज, हाँ क्योंकि वो यहाँ पर भी सेंसिटिविटी है अपना। ओके, और वो सिम्टम्स है, दीज आर द सिम्टम पार्ट्स ऑफ द डिजीज। सॉक्स पहन के सोने से क्या होता है? सॉक्स पहन के पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, क्या होता है, हमारे पैर सबसे ज्यादा पहला पोर्टल है जहां से हीट जाएगा बॉडी से। ओके, तो अगर हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके रखें तो एक तो नींद बेटर आता है, प्लस पैर का और आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट ऐसा है कि अगर हम लोग सॉक्स पहन के सो रहे हैं ठंडी के टाइम पे, तो हमारा बॉडी का रिकवरी फास्ट होता है, बिकॉज वी कंजर्व हीट, वी डोंट लूज हीट दैट इनफ, इसे सॉक्स पहन के बोलते हैं। अपने इधर इतना ठंडी हुआ नहीं है कि सॉक्स पहनने का जरूरत पड़े, ठीक है। नहीं, अगर ठंडी लगता है तो बीमार हो तो डेफिनेटली पहनना चाहिए, बट इतना नहीं है कि अपने को सॉक्स का जरूरत पड़े ऐसे। गांव में तो बहुत जरूरत पड़ता है, अगर आप मुंबई में था ना 14 तारीख को 15 तारीख को, मैं ठंडी था 2 दिन को, अरे क्या 12 ये रात को 12 डिग्री हो गया था, रात को मीरा भाईंदर में 12 डिग्री सेल्सियस था। 14 तारीख को हम लोग का मैच था क्रिकेट, हम लोग 12 बजे से सब लोग ऐसा जिपर पहन के फील्डिंग कर रहे थे, मैं नहीं, 6 से 12 भाई का टीम था।
रिपब्लिक मेरे टीम में मैं ही खिलाया। डे के दिन मेडल मिलेगा अब क्या होगा 2 दिन में क्या मैं कैच पकड़ मेरे को सब पूछते थे कैसा पकड़ा है कैच कैसा टाइम क्या ये मतलब करके भी क्या वो तो कैच का नहीं आया मेरे कैच का बहुत अच्छा था ऐसा एकदम नहीं मेरा ही था वीडियो जितना भी देखा सब मेरा ही सर मैम नहीं खेलती नहीं लेडीज लोग का नहीं था लेडीज लोग का एंट्री नहीं आया। तो इसीलिए मतलब सिर्फ मैम वीडियो बनाती है अपने साथ हाँ सब बहुत लोग पूरा एक तरफ था फैमिली वालों के लिए रखा था एक बुक तो बैठ के लोग देखते सब लोग केला वेला खा रहे टैंक पी रहे बिरयानी खा रहे टैंक हम लोग के लिए था। ये बोलोगे बड़े पार्ट्स पहले ना टूर्नामेंट होता है ना बड़े ओवर अप तो उसमें हम लोग ग्राम में ही खेलते थे समोसा आ रहा है जूस हाँ आ सब रहा है उड़ा रहे हम के लिए होता है वो। लोग सब उड़ा रहे हैं एक्चुअली आए उन लोग के लिए उड़ा हम लोग ने जैसे चलो अभी लास्ट एक राउंड करते काम करते हैं आई डोंट थिंक सो आई अभी ना खत्म हो पाएगा आई और यार अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं आई और यार के बाद कुछ है नहीं दैट्स द एंड ऑफ द ठीक चैप्टर। है मतलब हाँ आई और यार दो चीज बचा है नेक्स्ट क्लास आई एम ट्राइंग फ्राइडे या थर्सडे को कभी हम लोग सेट करें लेट्स सी कब बचा है 4:30 से पहले पसंद लेट मी सी 4 बजे भी खत्म ठीक होते है हैं चलो बाय। बायो फिजिक्स वाले सर हाँ यार उनका मतलब फायर दिमाग खराब हो गया वही।